Okay. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे हो बढ़िया हो तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है आप बताइए आप कैसे हो हा अच्छा थोड़ा लैग है लैग है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा डार्क का है तो यूट्यूब तुझे मोबाइल में जो तो यूट्यूब चेड डार्क रेड रेडिशनर जासता है इच्छत बराबर है हाँ हाँ ओके 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 हाँ तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं आर यू रेडी एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ।, अच्छा हुआ और जो भी होगा अच्छा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने तो इस बार टैक्सेशन में हा अच्छा। ये रोज मेरे साथ बोलना है इस बार टैक्सेशन में अस्सी अच्छा पार।, अच्छा पार और जीएसटी में फोर्टी पार अरे आर यू रेडी चलिए दोस्तों यहां पे हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं यस कल के सेशन में हमने जो देखा था ओके हाँ बर्डन ठीक है तो यहां पे कल के सेशन में हमने ये देखा था कि टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरा सर ये कोई यहाँ पे जो गब्बर सिंह वाला एग्जाम्पल वगैरह क्या ये पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा और इससे बस इतना ही समझ लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से ये ट्रा, ट्रांसफरेबल बना क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन को अगर बिजनेस के लिए टैक्स देना पड़ा तो वो पास ऑन करेगा ही प्राइस में ऐड करेगा ही आई होप यू अंडरस्टूड सो इससे आपको इतना ही समझना है उसके बाद में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन क्या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बट आपको एक बात बता दूं Uh, ये एग्जाम्पल से हम क्या समझे ये एग्जाम्पल से बस आपको एक लाइन समझना है कि हर स्टेज पे टैक्स आता है और एंटायर बर्डन पास ऑन टू एन अल्टीमेट कंज्यूमर यानी जो अल्टीमेट कंज्यूमर की प्राइस होती है उसमें सारा टैक्सेस इंक्लूडेड होता है और इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं क्योंकि जो बर्डन ले रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है वो इनके थ्रू गवर्नमेंट को दे रहा है समझ में आ रहा है इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है एक ड्रॉबैक भी ये चेन का आपको बताया था ये चेन का ड्रॉबैक है कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या वर्ड था यस बेटा yes, अगर किसी को स्पेलिंग नहीं आ रहा है कैश कैडिंग का तो बता दो कैश कैडिंग इफेक्ट अरे समझ में आया कि नहीं आया ओके okay, कैश कैडिंग इफेक्ट ठीक है तो टैक्स ऑन टैक्स चलिए इससे ज्यादा इस, इस पेज पे कुछ नहीं है नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ये एक एग्जाम्पल लिया सर ये एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आएगा क्या नहीं पर ये एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है कि इससे आप ये समझो कि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस पे आता है अरे यस और नो yes. और इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट पे आता है दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स है आई रिपीट द वर्ड क्या ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स वो इमीजिएट क्वांटिफाई करना पड़ता है ऑन द ट्रांजेक्शन आपने इनवाइस बनाया दैट्स ऑल वहीं के वहीं क्वांटिफाई करना पड़ता है और आपको लाइबिलिटी भी इमीजिएट आ जाती है पे करने की पर गवर्नमेंट ने आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए आपको मंथली कहा है लाइबिलिटी तो तभी आ गई जैसे आपने इनवाइस बनाया पर गवर्नमेंट कहती है इमीजिएट मत दो मंथली एक साथ दो पूरा ये समझ में आया क्या लेकिन इनकम टैक्स जो है ये आपके नेट प्रॉफिट पे आता है और नेट प्रॉफिट अगर हमें रिजनेबली कैलकुलेट करना है तो एक पीरियड जो लिया जाता है वो फिनेंशियल ईयर लिया जाता है समझ में आया क्या चलिए दूसरा डिफरेंस देखा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अगर पूछा गया क्वेश्चन ये बेसिक चैप्टर पे तो इस पर ही पूछा मतलब अभी तक के डिस्कशन में इस पर पूछा जा सकता है किप इन प्रायोरिटी बी प्रायोरिटी ए नहीं कहूंगा पर किप इन प्रायोरिटी बी आई होप यू अंडरस्टूड यस और नो चलो उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया फेडरल मतलब इंडिया में मेजरली दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट सेंट्रल लॉ पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट लॉ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाता है ठीक है लोकल ऑथॉरिटी जो आती है वो स्टेट लॉ के अंदर आती है आई रिपीट लोकल ऑथॉरिटी जो आती है वो स्टेट लॉ के अंदर में आती है तो जीएसटी आने के पहले तीनों लेवल पे एक बिजनेसमैन पे टैक्स लगता था सेंट्रल लेवल अपना टैक्स कलेक्ट करता था क्या एक्साइज उसके बाद में स्टेट लेवल पे वैट ऑक्ट्रा लोकल बॉडी टैक्स ऐसे टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे थे अलग अलग टैक्सेस थे फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में ये तीन आर्टिकल आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव 245 और 246 फोर्टी सिक्स देखेंगे आगे हम देखेंगे 246, provide three list. वैसे तो आपने थोड़ा बहुत रेफरेंस देखा होगा 246 में three list होती है list one called as union list, list और चलो तो ये तीन लिस्ट यहाँ पे होती है आर्टिकल 265 कहता है हाँ ये सर हमें याद रखना पड़ेगा क्या एक बार क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लीवी ऑफ जीएसटी जिसमें इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा सर कैसे प्रेजेंट करना है इसको रुक जाना अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझ लो जब हम क्वेश्चनर स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चनर में आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको प्रेजेंट कैसे करना है थोड़ा पेशेंस रखना एक बार पहला चैप्टर होने दो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दो फिर मैं हूं ना डरो मत मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा यस और नो यस तो चलिए आर्टिकल 265 क्या कहता है कोई भी टैक्स अगर आपको लगाना है तो पहले लॉ बनाओ आई रिपीट पहले लॉ बनाओ उससे क्या लो ऑथरिटी एंड लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स टैक्स में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसलिए कोई भी टैक्स पड़ना है तो उसका एक्ट होना बहुत ज़रूरी है जैसे इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट जीएसटी के लिए भी पढ़ेंगे एक्साइज के लिए भी पड़ेंगे ये समझ में आए क्या उसके बाद में टैक्स लगाने की पावर दो गवर्नमें दो ऑथोरिटी के पास है एक था पार्लियामेंट और दूसरा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये यह अथॉरिटी यहाँ पे लॉ बनाती है पार्लियामेंट इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाता है और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाता है ओके चलिए उसके बाद में यहाँ तक देखा जाए तो ये यह हमने यहाँ तक डिस्कशन हुआ था वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट हाँ कुछ क्वेश्चन आए हैं मैं बस इतना बता दूँ सर एक बार फिर से अच्छा समझ लो सर हमारा डी का कुछ सिलेबस पेंडिंग है बिकॉज ऑफ एग्जाम या बिकॉज ऑफ वॉट योर रीजन ओके तो क्या हम जीएसटी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं।, नहीं है आप जीएसटी रेगुलर बेसिस पे अपना कंप्लीट करो आप भी अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो जो मैंने अभी आपको बताया कि जीएसटी रेगुलर बेसिस पे अब इसमें मत कुछ पेंडिंग रखना ये रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करो और जितना इनकम टैक्स तुम्हारा बाकी होगा पेंडिंग होगा कोई चैप्टर बचा होगा तो वो जो है साथ साथ में आप डेली वन आवर वन एंड हाफ आवर जैसे भी टाइम मिलता है ओके या कभी कोई छुट्टी आ जाए जैसे कभी हो सकता है लॉ की छुट्टी आ जाए मेरेज की छुट्टी आ जाए या अकाउंट्स की छुट्टी आ जाए तो टाइम में उसना एक टारगेट दे के कर लो समझ में आया? और क्लास तक अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ही ज्यादा फायदा होगा ठीक है तो चलिए दूसरी बात ये कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रही है कि सर हम डी टी DT साथ में कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हो ओके okay, डी अलग और आई अलग आपने भूल के भी दोनों का कनेक्शन मत लगाना दोनों का सच में कोई कनेक्शन नहीं है बस एक ही कनेक्शन है नाम है टैक्स समझ में नाम है टैक्स समझ में आया तो चलिए तो जीएसटी वापस आते हैं वन नेशन वन टैक्स और वन मार्क मैंने कल सेशन इस बात पे एंड किया कि ऐसा क्यों हुआ जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं और फिर मैं ये कंक्लूड करूंगा अगर यहां पे चलो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा पर कुछ बातें हम यहां समझ लेते हैं ठीक है तो ये थेरी नहीं पढ़ना है कीप इन प्रायोरिटी सी लेकिन पहला जो लाइन है यहां पे थेरी नहीं पढ़ना है मतलब लर्न नहीं करना है सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझना है जीएसटी सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन क्या इंडिया अब भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म क्यों बोला गया जिसमें सारे टैक्सेस क्या हुए कंसोलिडेट हुए बताता हूं पहले क्या होता था 2017 के पहले लक्ष्य के एग्जाम्पल ये मैन्युफैक्चरर है मैन्युफैक्चरर जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है फिनिश गुड्स कोई कार बना रहा है कोई लैपटॉप बना, बना रहा है कोई मोबाइल बना रहा है ओके यहाँ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग ये इवेंट पे लग जाता था एक्साइज क्या लगता था एक्साइज जिसे हम हिंदी में कहते थे उत्पादन कर ये समझ में आया क्या एक्साइज अब ये एक्साइज का नेचर क्या था आप माल बेचो या ना बेचो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप माल बेचो या ना बेचो आपने बनाया पे टैक्स यानी सर हमने सेल नहीं किया तो भी भी टैक्स हां पहले आपने कभी सुना होगा खेतान फैन नहीं एक कंपनी उसकी एक केस थी चलो आप आज कोई भी एक फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी बजाज का ले लेते हैं ठीक है बजाज फैन या फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इन्होंने क्या किया था कि फैन खुद ही बनाए और 1000 थाउजेंड फैंस अपने फैक्ट्री और ऑफिस में इंस्टॉल किए आई रिपीट 1000 थाउजेंड फैन अपने ही फैक्ट्री या ऑफिस में इंस्टॉल किए और उन्होंने उसका एक्साइज नहीं पे किया तो इनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी होगी डिपार्टमेंट की कॉज नोटिस आ गई कि कॉज वाई यू हैव नॉट पेड एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट 1000 थाउजेंड फैन शो कॉज नोटिस क्या होती है इंडिया में कोई भी एन के अगेंस्ट में कोई भी पर्सन के अगेंस्ट में किसी भी लॉ में अगर एक्शन लेना है तो पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है अरे समझ में आया ना और वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होता है शो कॉज नोटिस हमें कारण बताओ कि हम आपके अगेंस्ट में, में एक्शन क्यों ना लें मराठी में हम कहते हैं कारने दाखवा अरे है ना मराठी में हम कहते हैं कि रीजन कारने दाखवा रीजन बताओ कि हम आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना ले उसे कहते हैं कॉज नोटिस तो समझ लो कंपनी के अगेंस्ट में कॉज नोटिस आ गई बजाज ऑटो के अगेंस्ट में कि भाई आपने 1000 फैंस बनाए और ये 1000 फैन जो आपने अपने ही ऑफिस में और फैक्ट्री में इंस्टॉल किए उस पर आपने एक्साइज क्यों नहीं दिया तो कंपनी ने रिप्लाई किया कि हमने तो सेल ही नहीं किया था ओके okay, हमने सेल नहीं किया हमने तो हमारे फैक्ट्री में यूज़ किया सेल थोड़ी किया हमने बनाया और हमारे ऑफिसर्स में यूज किया फैक्ट्री में यूज किया तो ऐसे सिचुएशन में जब हमने सेल ही नहीं किया तो क्वेश्चन ऑफ एक्साइज डज नॉट अराइज तब यहाँ पे एक्चुअली केस खेतान फैन पुराना था लेकिन चलो बजाज के कॉन्टेक्स में पर, आ, समझते हैं तब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं एक्साइज इज नॉट ऑन सेल एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चर और अगर आपने प्रोडक्शन किया मैन्युफैक्चर किया फिर आप बेचो या ना बेचो आपके ऊपर क्या लग जाएगा एक्साइज ये समझ में आया थोड़ा बहुत पुराना नॉलेज लो सो दैट जीएसटी समझना और आसान हो जाएगा समझ में आया क्या तो यहां पे ये एक्साइज लगता था एक्साइज का रेवेन्यू किसका था सेंट्रल का था और मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी केसेस बताऊंगा मजा आएगा आपको ये तो ऐसे मैंने बजाज का ये तो ट्रेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है ठीक है तो जहां तक देखा जाए तो ये सेंट्रल का रेवेन्यू था सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी और हमारा लिस्ट वन आर्टिकल 246 एक्साइज लगाने का पावर लिस्ट वन में था और लिस्ट वन में था मतलब सेंट्रल ये समझ में आया क्या लेकिन लिस्ट वन की एक्साइज की एंट्री अगर आप देखते हो तो उसमें यह कहा गया था कि सारे गुड्स पे एक्साइज एक 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 सेंट्रल लगाएगा एक्सेप्ट अल्कोहल अल्कोहल का एक्साइज लगाने का पावर स्टेट के पास था समझ में आया क्या अल्कोहल का एक्सरसाइज लगाने का पावर स्टेट के पास था प्लस और एक कैटेगरी है ओपीएम नार्कोटिक्स मतलब चरस गांजा चरस गांजा ये मेडिसिन में यूज होता है लीगली <laughs> अरे है ना लीगली ये मेडिसिन में यूज होता है है इंडिया में बट ऑनली इन मेडिसिन ठीक है ओके तो ऐसे सिचुएशन में ड्रग्स और अल्कोहल ये गुड स्टेट वालों को दिए थे मतलब उनका अगर प्रोडक्शन होता है उनका अगर मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर एक्साइज लगाने का पावर स्टेट के पास था बाकी सारे गुड्स पे सेंट्रल के पास समझ में आया क्या नाउ अब ये गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया मैन्युफैक्चर होने के बाद जब ये सेल हो रहा है कम ऑन जब ये सेल हो रहा है तो दूसरे इवेंट को टच कर दिया कल मैंने आपको कहा था टैक्स इवेंट्स पे होते हैं पहले इवेंट कौन से टच किया आपने मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर क्या लगा एक्साइज और वो पर्सन जब सेल करता था तो सेल पे था सेल्स टैक्स जिसे 2004 के बाद वैट के नाम से जाना जाता है। 2004 2004 के पहले उसका नाम था सेल्स टैक्स और 2004 के बाद नाम हुआ वैट वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ये समझ में आया तो ओके इसके ऊपर जो है वैट लगाया गया अब वैट लगाने का पावर किसके पास था स्टेट्स के पास था यस और नो अब स्टेट्स के पास था तो हर स्टेट के अपने वैट लॉस थे महाराष्ट्र वैट लॉ था राजस्थान वैट लॉ था छत्तीसगढ़ वैट लॉ था एम वैट लॉ था समझ में आया क्या हर स्टेट अप अपने हिसाब से क्या बना रहा है वैट लॉ बना रहा है वैट लॉ बना रहा है और यहां बहुत गड़बड़ हो रही थी क्योंकि स्टेट अप अपने हिसाब से लॉ बना रहा है तो गड़बड़ क्या था यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं थी बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं थी महाराष्ट्र वैट लॉ अलग ही चल रहा है एमपी पी वैट लॉ अलग ही चल रहा है उसकी प्रोविजंस अलग फॉर्म्स अलग महाराष्ट्र के फॉर्म्स अलग और इसमें बड़ी इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम जा रहा है समझ लो एक कोई बड़ी इंडस्ट्री है एग्जाम्पल लेते हैं टेस्ला टेस्ला इंडिया में अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है और सारे स्टेट में अपने यूनिट स्टार्ट करना चाहती है उनको इंडिया में आने को प्रॉब्लम क्या जा रहा था दो के पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यही केस 2017 के पहले था जीएसटी आने के पहले ठीक है तो कोई भी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में आ रही है आज के कॉन्टेक्स में अगर हम ले तो टेस्ला समझ में आ रहा है तो अगर यही सिचुएशन 2017 के पहले होती तो फॉरेन कंपनी इंडिया में आने के लिए बहुत डर रहा है क्यों डर रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है वैट लॉस क्योंकि वैट जो है अब समझ लो एक यूनिट वो महाराष्ट्र में डाल रहे हैं टेस्ला दूसरा यूनिट एमपी में डाल रहा है ओके तीसरा यूनिट वो गुजरात में डाल रहा है अब अपने तीन यूनिट डाल दिए तो महाराष्ट्र वैट लॉ अलग महाराष्ट्र की फॉर्मेलिटीज अलग गुजरात वैट लॉज अलग गुजरात की फॉर्मेलिटी अलग अब कोई ऐसा नहीं था कि एक ही नेशन एक ही टैक्स ऐसा नहीं था अरे समझ में आया ऐसा नहीं था भी एक ही नेशन ऐसा कुछ भी नहीं था सब अपना अलग अलग चल रहा था समझ में आया क्या अब इससे क्या हो जाता है इंडस्ट्री की फॉर्मेलिटी कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर्मेलिटी कॉस्ट यानी क्या कोई भी टैक्स लॉ में होते हैं रिटर्न तुमको अपने सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और वो सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट को कहा जाता है रिटर्न ठीक है तो हाँ अब ये रिटर्न क्या होते हैं हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे पर अभी इतना ही समझ लो कि जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं जीएसटी रिटर्न होते हैं कभी आपने इनकम जीएसटी रिटर्न जीएसटी या थ्री वगैरह कभी सुना है ऐसा जीएसटीआर 1 टी वन थ्री बी वगैरह नहीं सुना होगा तो डोंट वरी मैं बैठा हूँ ठीक है तो अब ऐसे रिटर्न्स होते हैं सर री, एक सवाल होगा कि सर ये इनकम टैक्स में अब बात निकली है इसलिए दूर तलक चले जाएगी ओके चलो अब बात निकली है तो बता ही देता हूँ रिटर्न क्यों होते हैं? रिटर्न होता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट एक बार फिर से क्या सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट और वो सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट को कहा जाता है रिटर्न रिटर्न सर ये सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट रिटर्न जो है अब देखो मैं थोड़ा डिस्कशन ही शिफ्ट कर दिया मैंने मैं वापस अपने डिस्कशन पे आऊंगा लेकिन अब रिटर्न की बात निकली इसलिए बता रहा हूं ठीक है ये सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट क्या है इंडियन गवर्नमेंट अपने सारे टैक्स पेयर पे जो सिटीजन ऑफ इंडिया उन पर ट्रस्ट रखती है मतलब इंडियन गवर्नमेंट कहती है हमने लॉ बना दिया है आप लॉ फॉलो करो और खुद का टैक्स खुद ही कैलकुलेट करो हम आपको परेशान नहीं करेंगे आपकी जिम्मेदारी कि आप ही अपने रिकॉर्ड्स देखो आप ही अपने टैक्स जो है कैलकुलेट करो अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप एक्सपर्ट्स का कंसल्टेंट्स का हेल्प ले सकते हो लाइक सी ए सी एम ए सी एस अरे है ना तो आपको अगर आप टैक्स पे आपको नहीं समझ में आ रहा है लॉ तो आप एक्सपर्ट के पास जाओ कंसल्टेंट के पास जाओ समझ में आ रहा है पर आपका टैक्स आप ही कैलकुलेट करो हम हमको आप पे पूरा विश्वास है समझ में वो बात अलग है कि धोखा होता है अरे आया ना तो अब समझ लो मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो मतलब बाई अप्लाइंग द लॉ मैं खुद का टैक्स खुद ही निकालूंगा मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा ओके अब एग्जाम्पल की तौर पर जीएसटी के कॉन्टेक्ट में अगर आए बात निकली है तो और दूर दूर तक तक जाएगी जाएगी okay, ओके बात निकली है तो और दूर तक जाएगी। समझ लो ये मेरा टैक्स इनवाइस मैं बना रहा हूं और ये टैक्स इनवाइस में ओके okay, ये बहुत क्रुशल डॉक्यूमेंट है हमारे हर डिस्कशन में काम आने वाला है ओके okay, समझ लो ये मेरा टैक्स इनवाइस है और मैं मोबाइल सेल कर रहा हूं तो गवर्नमेंट कहती है कि जीएसटी में जब आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे आप एस पर लॉ आपको जो लगे वो कैलकुलेट करो पर एस पर लॉ ये समझ में तो समझ लो कंपनी में सेलर जो है सेलर सेलर एक्स 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 वाई 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 जेड 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 जो कौन लिमिटेड लिमिटेड ओके एड्रेस एड्रेस समझ लो यहां पुणे ओके जीएसटी नंबर जो भी जीएसटी जीएसटी नंबर पता होता है क्या होता है अरे ये और नो जीएसटी नंबर मतलब यहाँ पे आप टैक्स इनवाइज में देखते हो हर एक्ट में आपको एक नंबर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे इनकम टैक्स में पैन होता है पैन पता है ना परमानेंट अकाउंट नंबर जीएसटी में जीएसटी इन होता है ओके okay, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अब ये सर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों देता है कोई भी गवर्नमेंट टैक्स लॉ में आपको आपके नाम के हिसाब से नहीं पहचानती है राहुल ये नाम के दस लोगों के अरे है ना हर बंदे को एक नंबर देती है और उसका आइडेंटिफिकेशन उसी नंबर से होगा आई होप यू अंडरस्टू इनकम टैक्स में वो परमानेंट रहता है इसलिए नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर ठीक है उसके उसको ही बेस लेके फिर आपको जीएसटी नंबर दिया जाता है क्योंकि एक नंबर आपका फिक्स हो जाता है तो आपका पैन को ही बेस लेके जीएसटी नंबर दिया जाता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो सेलर का जीएसटी नंबर ईमेल आईडी, फोन नंबर बायर बायर समझ लो ओके मिस्टर राहुल है ओके तो यहां वो परचेस कर रहा है क्या उसका पार्टी नेम एड्रेस और जो बायर खरीद रहा है उसका भी अगर जीएसटी नंबर होगा ध्यान सुनना अगर उसका भी जीएसटी नंबर होगा तो ये ट्रांजेक्शन बी टू बी कहा जाता है तो अगर सेलर का भी जीएसटी है और बायर तो का भी जीएसटी है तो ये ट्रांजेक्शन बी टू बी कहा जाता है और सेलर का जीएसटी है और बायर का जीएसटी नहीं।, नहीं है तो ये ट्रांजेक्शन बी टू सी कहा जाता है आई होप यू नस्ट टू उसके बाद में डे नंबर ड्यू डेट वगैरह वगैरह डेस्टिनेशन वगैरह एक्सेट्रा आप दे रहे हो ये सारी डिटेल्स दे रहे हो फिर आ रहे हो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में समझ लो मोबाइल सेल हो रहा है ओके तो यहां गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करो हम नहीं कह रहे कि मोबाइल की वैल्यू दो लाख ही लेना है पचास हजार ही लेना है व्हाट एवर द प्राइस यू चार्ज टू द कस्टमर ओके वो आप प्राइज ले लो समझ लो मैं प्राइस कितनी चार्ज कर रहा हूं मोबाइल की फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड प्राइज ले लो और आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करो रेट हमने दिए रेट कितना है समझ लो एटीन परसेंट मोबाइल पे तो रेट कितने दिए नाइन परसेंट एंड नाइन परसेंट यहां अपने जीएसटी कैलकुलेट कर लो डू यूर सेल्फ असेसमेंट वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर ये समझ में आया क्या yes, पर आपने पूरे मंथ में आई रिपीट आपने पूरे मंथ में कितने इनवाइस बेचे यानी कितने इनवाइस सेल के हैं ओके okay, सेल के इनवाइसेस आपने कौन कौन से गुड्स पे कौन कौन से रेट्स लिए हैं कौन टोटल जीएसटी का कैलकुलेशन कितना है कितना सीजीएसटी है कितना एसजीएसटी है कितना आईजीएसटी है प्लस आपके क्रेडिट्स क्या है आपने परचेस के क्रेडिट्स मिलते हैं ये सारा हमें एक डॉक्यूमेंट में कैलकुलेट करो मंथली बेसिस पे और वो डॉक्यूमेंट होगा रिटर्न अरे आया ना तो आपने जो भी पूरे मंथ में किया है व्हाट एवर सोल्ड समझ लो मेरी हार्डवेयर शॉप है हार्डवेयर में डिफरेंट टाइप से गुड्स है मेरी किराना शॉप है किराना शॉप स्टेशनरी शॉप है अलग अलग टाइप के गुड्स है कोई गुड्स एग्जम्ट है कोई गुड्स टैक्सेबल है कोई गुड्स ट्वेंटी है कोई गुड्स एटीन है कोई गुड्स ट है तो आपने जो भी इन्वॉइस बनाते वक्त खुद खुद के जो जो, जो भी इन्वॉइस बनाते वक्त जो जो गुड्स के टैक्स असेस किए हैं ये पूरे इनवाइस का डिटेल प्लस आपके आईटीसी का डिटेल प्लस एग्जोमिशन का डिटेल प्लस नील रेट का डिटेल ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए और हमें एक डॉक्यूमेंट में चाहिए और वो डॉक्यूमेंट है रिटर्न और ये डिटेल्स हमें सेल्फ असेस करनी पड़ती है और सेल्फ असेस करके वो डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है मैं लूंगा डिटेल का रिटर्न का फॉर्मेट लूंगा मैं यहां पर मैं जी एस का भी लूंगा रिटर्न का भी लूंगा पूरा प्रैक्टिकली बताओ किस तरह से वो डेटा कैप्चर करते हैं आई होप यू अंडरस्टू तो ऐसे केस में वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे रिटर्न समझ गया सबको यस और नो ओके तो यहां ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अब मैं हमारे डिस्कशन पे आता हूँ कि भाई क्या होता था, था? महाराष्ट्र डिपार्टमेंट की रिटर्न अलग वैट लॉ में एमपी का रिटर्न का फॉर्मेट अलग यूपी का अलग समझ में आया सबके अपने हिसाब से डिफरेंट लॉस डिफरेंट बेनिफिट्स डिफरेंट रेट्स डिफरेंट रिटर्न अब एक सिंपल एग्जाम्पल बताओ कि महाराष्ट्र में मोबाइल का रेट मुझे याद है 2005 की बात है मोबाइल का रेट वैट रेट था 5 परसेंट और एमपी में था ट्वेल्व परसेंट यस और नो तो एक बिजनेसमैन वाला क्या सोचता है कि ये क्या नाटक है मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी तब एक पुरानी कंपनी बड़ी फेमस थी नोकिया कुछ याद है क्या yeah. तो ये क्या नोकिया का मॉडल एक तब का मॉडल थ्री थ्री वन जीरो ऐसा पुराना मॉडल था जब तुम पैदा हुए थे ठीक है तो एक नोकिया का गुड्स जो है ओके वो महाराष्ट्र में सेल किया जा रहा है तो प्राइस कम है और अगर एमपी में सेल किया जाए तो प्राइस ज़्यादा है बिल्कुल पेट्रोल जैसा यहां पेट्रोल भराओ और दूसरे स्टेट में पेट्रोल भराओ समझ में आ रहा है तो ये इतनी ज़्यादा यहां पे डेविएशन था और क्या था स्टेट झगड़ते थे क्योंकि स्टेट अपना रेवेन्यू चाहते थे हर स्टेट ग्रो होना चाहता था हर स्टेट डेवलप होना चाहता था तो एक नैनो का केस आपको बताता हूँ नैनो टाटा रतन टाटा जी ने नैनो का प्लान इंस्टॉल करना था तो ये प्लान जब इंस्टॉल उन्हें करना था तो इतना स्टेट में झगड़ा हुआ ओके क्योंकि हर कोई वो प्लांट अपने स्टेट में चाहता था क्यों क्योंकि अगर इंडस्ट्री आपके स्टेट में आ रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो कहीं तो भी स्टेट का ग्रोथ हो रहा है अरे ये सर नो रेवेन्यू भी बढ़ता है स्टेट का तो हर स्टेट चाहता है कि उनके स्टेट में इंडस्ट्री आए तो यहाँ पे रतन दादा रतन दादा जी को ऑफर दिया ओके okay, गुजरात ने ऑफर दिया कि आप हमारे स्टेट में लाओ हम वैट रेट इसका चार साल तक जीरो करते हैं अरे यस और नो yeah. पर ये ऑफर कैसे मैं आपको तो कैसे हुआ सबसे पहले ऑफर दिया दिल्ली ने कि आप आओ वैट का रेट 12 परसेंट है हमारे स्टेट में लाओ हम वैट 10 परसेंट करते हैं जैसे उन्होंने 10 परसेंट तो महाराष्ट्र ने कहा हम वैट 5 परसेंट करते हैं अरे आया है ना अब वैट 5 हमारे स्टेट में लाओ गुजरात ने करता है और गुजरात कहता है जीरो आ जाओ समझ में आया अब इसमें क्या हो रहा है स्टेट के झगड़े में फायदा किसका हो रहा था इंडस्ट्री का इंडस्ट्री का फायदा हो रहा था और स्टेट अपना ही रेवेन्यू कर रहा था तो ऐसे केस में फॉरेन इंडस्ट्री आपके ये डिफरेंट लॉ से परेशान थी समझ में आ रहा है क्या अलग अलग कंप्लायंस से परेशान थी खुद इंडियन इंडस्ट्री परेशान थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ रही थी कहीं तो भी एक ऐसा लॉ लाना जरूरी था कि वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट समझ में आया क्या तो ऐसे केस में यहां डिसीजन लिया गया कि क्यों ना सारे सेंट्रल और सारे स्टेट के लॉस को मर्ज कर दिया जाए एक बकेट में डाल दिया जाए और एक नया नाम लाया जाए जीएसटी अरे आया ना मतलब सब खत्म कर बंद मतलब मर्ज कर दिया जाए मतलब ओके तुम्हारा एक्साइज एक काम करो एक ही लॉब तुम्हारा एक्साइज है तुम्हारा एक सर्विस टैक्स है तुम्हारा वैट है सब सब लाओ यहां पे, और अब सब रेवेन्यू कंसोलिडेट करते हैं एक ही नाम पर क्या जीएसटी आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे केस में यहां पे चैलेंज क्या था गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था कि अगर हमें एक सिंगल लॉ बनाना है मतलब इंडिया के सारे 28 स्टेट्स को आई रिपीट 28 स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी इन सारा ओके गवर्निंग बॉडी को समझाना है कि भाई आप अब ऐसे अलग अलग लॉ मत बनाओ एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं कि जब आप प्रेस्टिज पॉइंट आते हो तो ये क्लास यहां लगाते हो वो क्लास वहां लगाते हो पूरा क्लास यही लगाते हो अरे हाँ है ना इमेजिन करो कि आप ये क्लास यहां लगा रहे हो दूसरा क्लास वहां लगा रहे हो तीसरा क्लास वहां लगा रहे हो ओके okay, अब सबका एडमिशन फॉर्म और प्रोसेस अलग इसके एडमिशन फॉर्म और प्रोसेस अलग फिर वहां जाओ वो प्रोसेस इसकी रिसिप्ट अलग उसकी रिसिप्ट अलग उसकी रिसिप्ट अलग ओके okay, फिर जब यहाँ रिसिप्ट चेकिंग होती है तो आप निकाल अरे कहा गई कहा गई ये इसकी रिसिप्ट निकालो ओके पहली बात तो जब फर्स्ट डे आप प्रेस्टीज पॉइंट पे आते हो तो यही नहीं समझ पाते हो हम कहाँ जा रहे हैं <laughs> हाँ, भी स्मार्ट यही समझ नहीं पाते हो उसके बाद में कैसे तो भी फिर धीरे धीरे यूज होते हो पता चलता है कि ये एकेडमी इधर है ये एकेडमी इधर है ये एकेडमी इधर है अरे ये समझ में आएगी यार और फिर अगर ये सबकी फॉर्मेलिटीज अलग पर काश ऐसा हो जाए कि सब एकेडमीज एक साथ आ जाए अरे है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सब एकेडमी सबका फॉर्म एक जैसा हो भाई ये एकेडमी हो ये या हो सबका फॉर्म एक जैसा हो ओके okay, यानी आपने एक अगर नीचे गेट पे आपको काउंटर मिल गया कि आपको कोई भी एकेडमी में एडमिशन होगा फॉर्म यही होगा बस एक फॉर्म भर दो सभी एकेडमी में डेटा चले जाएगा अरे यहाँ है ना तो आप कहोगे हाँ थैंक्स तीनों जगह देने की जरूरत नहीं है वो फोटो निकाल के देने की जरूरत नहीं है समझ में आया क्या वो स्टैम्प लेने की जरूरत नहीं है वो नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है नहीं अगर अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाए ओके okay, क्यों ना हो कि वन प्रस्टीज पॉइंट वन प्रोसेस और वन क्लास तो इन सिंपल वर्ड एक पैरल एग्जाम्पल जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया कि यहां पे ट्वेंटी एट स्टेट्स सेवन ओके थ्री पार्टली स्टेट यूटी मतलब दिल्ली पौंडीचेरी वगैरह और फाइव यूटीज समझ में आया तो या मैं ऐसा कहता हूं ट्वेंटी एट स्टेट एंड सेवन यूटीज ओके तो ट्वेंटी एट स्टेट एंड सेवन यूटीज समझ में आया तो अब ऐसे केस में यहां सा, सा, सारे स्टेट्स को ओके okay, मैं तब की बात कर रहा हूं ओके okay, तो सारे स्टेट को जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी नहीं था स्टेट था अरे समझ में आया क्या हाँ तो मैं इन सबके लॉज मैनेज करना पॉसिबल नहीं था आई होप यू अंडरस्टूड तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट में लाया गया तो फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसे आज कहा जाता है जीएसटी काउंसिल आई रिपीट क्या जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी लॉ बनाने के लिए पहले एक कमेटी बनाई जिसको मैं ना, डायरेक्ट नाम यूज करूंगा काउंसिल काउंसिल बनाया गया जिसमें हेड किया गया ओके okay, चेयरपर्सन जो थे वो हमारे यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और ये काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और इनका जो काउंसिल बना जिसे हम कहते हैं परिषद आई रिपीट जिसे हम कहते हैं परिषद तो ये जो काउंसिल बना काउंसिल ने मिलकर ओके okay, एक यूनिफॉर्म डिजाइन बनाया जीएसटी का आई रिपीट का आई रिपीट दर्ड क्या यूनिफॉर्म डिजाइन यूनिफॉर्म डिजाइन बनाया कि ठीक है कि अब यह काउंसिल मिलकर लॉ बनाएगा और यहां पे जो यहां मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट वोटिंग या मोर देन टू थर्ड वोटिंग यह समझ में आया कि नहीं ओके टू थर्ड वोटिंग कुछ केस में टू थर्ड कुछ केस में सेवेंटी फाइव परसेंट वॉट एवर इट में भी तो ये काउंसिल मिलकर डिसीजन लेगा और ये जो डिसीजन लेगा वो इंडिया में जीएसटी लॉ में वो ही अप्लीकेबल किया जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब यहां पे आगे आने वाले पांच छह में हमारा रियली क्लास में कौंसिल बनेगा मैं रहूंगा चेयरपर्सन मैं रहूंगा चेयरपर्सन और आप रहोगे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर तो आप अपने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना यस और नो तो हम जीएसटी का पूरा पॉलिसी डिजाइन करेंगे आर यू रेडी ओके कोई स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर सो तो नहीं रहा <laughs> भाई साहब स्टेट का डिसीजन चालू है ठीक है सोना मत हाँ और जो यहाँ ऑनलाइन है आप भी आप अप अपने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना ओके <laughs> okay, और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है चलिए <clears throat> अब यहां पे तो क्या हुआ अब मैं सर हम अभी तक कहां थे ये लाइन पे जीएसटी जो है ये पूरे इंडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म था रिफॉर्म क्यों था कि सारे टैक्सेस हटा दिए गए आई रिपीट सारे टैक्सेस हटा दिए गए या आप कह सकते हो मर्ज कर दिए गए आई रिपीट आप कह सकते हो मर्ज कर दिए गए और एक ही नाम से टैक्स लाया गया जिसका नाम है जीएसटी आई होप यू अंडरस्टूड ओके कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस लाइज एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स वैट सीएसटी लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स एंट्री टैक्स बहुत सारे नंबर ऑफ टैक्सेस थे सबको मर्ज कर दिया एक ही बकेट में आई होप यू अंडरस्टूड सर ये सीएसटी क्या होता है लिख दो सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स उसके बाद में नेक्स्ट जीएसटी एंड वैट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली हा अब ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जीएसटी को वैट भी कहा जाता है जीएसटी को वैट भी कहा जाता है जीएसटी इनकम पासिंग बोथ गुड्स एंड क्या सर्विसेज फ्रांस वाज फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट वैट और जीएसटी इन 1954 उसके बाद में आज 160 कंट्रीज में वैट या जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है नेक्स्ट पॉइंट वेल मेनी कंट्रीज हैज यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम मतलब बहुत सारे कंट्री में एक ही जीएसटी लगता है जैसे इंडिया में हम ड्यूअल मॉडल में ड्यूअल मॉडल में मतलब सी जी एस टी और एस जी एस टी कुछ कंट्री में ऐसा है जैसे एग्जाम्पल लो यहाँ पे मलेशिया मलेशिया में एक ही नाम का लगता है क्या जीएसटी ओके यूनिफाइड जीएसटी मॉडल फेडरल कंट्रीज लाइक ब्राजील कैनेडा यूज ड्यूल जीएसटी सिस्टम विथ टैक्सेस लिविड बाई बोथ फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंडिया एडोप्टेड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इंडिया एडोप्टेड कौन सा मॉडल डुएल जीएसटी मॉडल ड्यू टू इट्स फेडरल स्ट्रक्चर द आइडिया ऑफ जी एस टी इन इंडिया वॉज इनिशियटेड इन क्या टू थाउजेंड देखो दो हजार में आइडिया आया था इम्प्लीमेंट हुआ टू थाउजेंड से इंप्लीमेंट हुआ टू थाउजेंड सेवेंटीन में, okay, में. Uh, मतलब जीएसटी लाने का पूरा क्रेडिट ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी गवर्नमेंट को होगा ओके okay, इसपे बहुत अच्छा वर्क कांग्रेस ने भी किया थाने जब यूपीए गवर्नमेंट थी ओके okay, और बाद में अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने और इंप्लीमेंट करवाया बीजेपी गवर्नमेंट ने ओके okay, लेकिन सत्रह साल से इसके ऊपर डिस्कशन चालू था ओके एंड गेन द मोमेंटम इन टू और जिसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया और ओके okay, जिसे हम कहते हैं हमारे संविधान का संशोधन समझ में आया क्या अमेंडमेंट बिल पास हुआ ओके ट्वेंटी लोकसभा पास बिल 2015, राज्यसभा में 2016 और आफ्टर रेटिफिकेशन बाय मोर देन परसेंट हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और जीएसटी लॉ लाया ठीक है ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है चलिए अब आते हैं यहाँ पे टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन क्या जीएसटी अब 2018 में ये एक सवाल तीन मार्क के लिए पूछा गया था टू में कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए। सब्स्यूम हुए का मतलब क्या मर्ज हुए, मर्ज हुए। तो जितने भी टैक्सेस गुड्स पे थे ओके या सर्विसेस पे थे वो सभी मर्ज करके एक बकेट में लाए गए और उस बकेट में सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही नाम दिया गया क्या नाम दिया गया जीएसटी जी जी। 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 समझ में आया ओके तो देखो सेंट्रल ने अपने कौन से टैक्सेस उसमें ऐड किए ये लिस्ट आपको सिंपली लर्न करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अब ये पुराने क्या टैक्सेस थे उसमें हम हमारा टाइम यहाँ पे इंगेज नहीं करें क्योंकि उसका कोई अभी रिलेवेंस नहीं है समझ में आया क्या सिर्फ ये लिस्ट जो है आपको रट्टा मारना पड़ेगा लर्न करना पड़ेगा कि भाई इतने इतने टैक्सेस जो थे ये मर्ज हो गए सेंट्रल के और स्टेट के और एक नाम से लॉ आया और वो लॉ था जीएसटी अब देखिए वो क्या कहते हैं यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कौन कौन से टैक्सेस मर्ज किए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जिसे एसीडी सी एडिशनल कस्टम ड्यूटी कहा जाता है उसके बाद में सर्विस टैक्स और उसके बाद में सरचार्ज सरचार्जेंसी अब ये मर्ज हो गए मतलब ये मर्ज होने का मतलब ये हुआ कि अब ये टैक्सेस नहीं लगेंगे अब एक ही टैक्स लगेगा क्या जीएसटी समझ में तो स्टेट वालों ने भी अपने टैक्सेस मर्ज कर दिए मतलब सेंट्रल वालों ने कहा समझ लो मैं यहां पे हमारे जीएसटी काउंसिल मीटिंग का चेयरपर्सन हूं मैंने आप सभी को कहा कि सेंट्रल वाले जीएसटी मैकेनिज्म में मैं आपका भरोसा मानता हूँ हमें भरोसा रखना है जीएसटी सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है हमें वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट पे काम करना है ओके okay, हम हमारे जितने भी अलग अलग टैक्सेस हमने सेंट्रल लेवल पे लगाए मेजरली एक्साइज दूसरा क्या सर्विस टैक्स दूसरा गुड्स और सर्विस टैक्स के सेस वगैरह सरचार्ज वगैरह हम जीएसटी में लाने के लिए रेडी है हम ये टैक्सेस को खत्म कर देंगे और ये टैक्सेस सारे मर्ज कर देंगे किस में मर्ज कर देंगे जीएसटी में चलो सेंट्रल की तरफ से मैं आपको वादा करता हूं कि ये टैक्सेस हम जीएसटी सिस्टम में लाएंगे आप क्या क्या ला सकते हो सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को तो स्टेट सारे जीएसटी काउंसिल के यहां पे मेम्बर बैठे तो स्टेट वालों ने भी एग्री किया कि ठीक है हमारे जितने भी टैक्सेस हम लगा रहे हैं अंडर लिस्ट टू ऑफ आर्टिकल टू लिस्ट टू अरे लिस्ट टू कौन सी स्टेट लिस्ट तो अंडर लिस्ट टू ऑफ आर्टिकल 246 हमारे जितने भी टैक्सेस है हम ये टैक्सेस जीएसटी में लाने को रेडी है ओके okay, कौन कौन से टैक्सेस तो स्टेट वैट या सेल्स टैक्स कुछ याद आ रहा है वैट उसके बाद में सीएसटी सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स परचेस टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स हाँ ये अंडरलाइन करना हाईलाइट करना अदर देन बाय लोकल बॉडी ये एक्सेप्शन है इस पर हम आगे बात करेंगे अभी हाईलाइट करके रख दो ओके एंटरटेनमेंट टैक्स अच्छा ये एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ लगता है मूवी टिकट्स पे लगता था अरे है ना कोई ड्रामा नाटक कोई सिंगिंग प्रोग्राम तो वहां लगता था क्या एंटरटेनमेंट टैक्स उसके बाद में लग्जरी टैक्स होटल्स पे थ्री स्टार फाइव स्टार अरे समझ में आया क्या तो वहां लग्जरी रिसोर्ट होटल्स इन इनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगता था क्योंकि ये बहुत सारी लग्जरी एमिनिटीज प्रोवाइड करते थे अरे आए ना उसके बाद में एंट्री टैक्स जिसे हम कहते थे ऑक्ट्रा एंट्री टैक्स जिसे हम कहते थे ऑक्ट्रा हाँ हा, लॉटरी बेटिंग गैमलिंग पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास था और उसके बाद में सरचार्ज एंड सेस तो ये ये वाला भी हाईलाइट करना लॉटरी बेटिंग गैमलिंग इसके ऊपर भी स्पेशल डिस्कशन आ गया ठीक है तो चलो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज पे इतने मेजर टैक्सेस थे आई रिपीट इंडिया में गुड्स और सर्विसेज पे इतने मेजर टैक्सेस थे कुछ सेंट्रल लगा रहा था कुछ क्या स्टेट लगा रहा तो चलो जितने भी टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे हम मर्ज करते हैं आई रिपीट हम मर्ज करते हैं तो भाई सेंट्रल ने सेंट्रल अपने टैक्सेस मर्ज करने के लिए रेडी हुआ तो स्टेट अपने टैक्सेस में और यहां पे एक सिस्टम लाते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे जीएसटी एक यूनिफाइड कोड लाएंगे पूरा टैक्स रिफॉर्म करेंगे इससे क्या फायदा होगा फायदा यह होगा कि फॉरेन इंडस्ट्री को यह मैसेज जाएगा कि अब इंडिया में पूरे इंडिया में कहीं भी भी आप यूनिट डालो महाराष्ट्र में डालो एमपी में डालो या गुजरात में डालो एक ही टैक्स रहेगा क्या जीएसटी एक ही फॉर्मेट रहेगा एक ही पोर्टल रहेगा एक ही फॉर्म रहेगा एक ही रिटर्न रहेगा अरे समझ में क्या तो एक ही सारी फॉर्मेलिटी सेम रहेगी सो so दैट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगी अब आ जाओ इंडिया में और आप अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हो क्योंकि अब इंडिया में है वन नेशन वन टैक्स वन ये समझ में आया क्या तो अब आप आ सकते हो तो ये रिफॉर्म जो है लाने की पूरी कोशिश की नो डाउट जीएसटी आने के बाद ओके फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया ये लॉ से बहुत सी इंडस्ट्री खुश हुई क्योंकि आज पता है क्या डब्ल्यू uh, एक ही वेबसाइट है जिसे हम यहां पे कॉमन पोर्टल वर्ड यूज करते हैं क्या वर्ड यूज करते हैं कॉमन पोर्टल एक ही पोर्टल है जिसपे सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है स्टेट वाइज फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं।, नहीं है आई होप यू इंडस्ट्री तो ऐसे केस में ओके चल अब डिसाइड हुआ जीएसटी लाएंगे अब मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताता हूं आ, यहां पे केलकर कमेटी थी पार्लियामेंट कमेटी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में नेशनल जीएसटी ला मतलब एक ही जीएसटी उसको दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है सी एसजीएसटी एस बस एक ही नाम क्या जीएसटी और फुल रेट फुल रेट मतलब फाइव ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी एट फुल रेट से लाओ तेरी बोर तो नहीं हो रही है? इंटरेस्टिंग लग रहा है अरे हाँ या ना वो गवर्नर से वो गवर्नर तक कोई सोया तो नहीं है भाई साहब अगर कोई सोया हुआ दिखाना तो मैं उनको पनिश नहीं करूंगा उनके आजू बाजू में जो बैठे हैं, उनको क्लास के बाहर निकालूंगा क्यों अभी उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाँ तो यहां देख लो अपने आजूबाजू में कोई सोया गया चलिए अब केलकर कमेटी ने यहां पे रिकमेंडेशन ये दिया था केलकर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एक यूनिफाइड जीएसटी लाओ जिसका नाम सिर्फ जीएसटी रहेगा क्योंकि बहुत सारे कंट्री में सिंगल जीएसटी सिस्टम है ड्यूअल जीएसटी सिस्टम नहीं है तो हम भी लाते हैं ठीक है जीएसटी काउंसिल मीटिंग चल रहा है काउंसिल मेंबर सामने है सब स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर सामने है और मैं एज ए चेयरपर्सन आई प्रपोज टू नालायक ओके जीएसटी का प्रपोजल रहा कि भाई मैं ये प्रपोज करता हूं कि हम इंडिया में अभी हमने सारे टैक्सेस क्या क्या मर्ज करना डिसाइड कर लिया अब ये सारे टैक्सेस को मर्ज कर देंगे सब हटा देंगे और एक ही टैक्स लगाएंगे क्या जीएसटी तो हम मैं सभी को ये प्रपोज करता हूं कि यहां पे हम एक ही जीएसटी लगाएंगे सिंगल फाइव परसेंट ट्वेल्व और एटी ड्यूअल मॉडल में इसको डिवाइड नहीं करेंगे हां कैनेडा में ड्यूअल मॉडल है ब्राजील में ड्यूल्व मॉडल है पर हम जो है सिंगल मॉडल पर चलेंगे तो किसी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछ लिया अच्छा आप सिंगल मॉडल प्रपोज रहे हो यस इट इट इट्स अ वेरी गुड मॉडल ओके कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा अच्छा मुझे बताओ ये सिंगल मॉडल का जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कौन लेगा वो कौन लेगा तो यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जो चेयरपर्सन थे ऑब्वियसली ऑल कलेक्शन मैकेनिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी हैंडल सेंट्रल स्टेट वालों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता इट्स अ वेरी गुड सिस्टम टू ब्रिंग यूनिफाइड सिंगल जीएसटी एस टी मॉडल नाई साहब ओके सेंट्रल में गवर्नमेंट अलग होती है स्टेट में गवर्नमेंट अलग होती है इलेक्शन के पहले लोग जेल में जाते ठीक है स्टेट वालों को डर था आई रिपीट क्या स्टेट वालों को डर था कि अगर पैसा सेंट्रल ने ले लिया और बाद में नहीं दिया तो लेट दिया तो कभी कभी पॉलिटिकल डिसीजन लेके पैसा लेट दिया और फिर कहा तुम्हारे स्टेट वालों ने यहां पे डेवलपमेंट नहीं किया तो नहीं भाई जीएसटी लगेगा हम हम भी हमारा टैक्स मर्च कर रहे तुम भी तुम्हारा टैक्स मर्च कर रहे हो भी हम भी हाँ, तो अब यहां पे टीटीएमएम होगा टीटीएमएम मतलब तू तेरा ते मैं मेरा ओके ते okay, तू तेरा मैं मेरा तो अब ये टीटीएमएम कैसे होगा नहीं हां पहले समझ लो कि भाई जीएसटी सिंगल मॉडल में नहीं लगेगा जीएसटी जो है टीटीएमएम में डिवाइड होगा तू तेरा मैं मेरा तो चलो फिर सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ओके नो प्रॉब्लम वी कैन ब्रिंग ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी व्हिच इज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इंप्लीमेंटेड इन कनाडा ब्राजील एक्सेट्रा तो हम वो मॉडल पे काम कर सकते हैं तो इसमें सेवेंटी परसेंट सेंट्रल का होगा और थर्टी परसेंट स्टेट का होगा स्टेट वालों ने कहा भाई साहब तुमने जितने टैक्सेस मर्ज किए तो हमने भी उतने ही किए हैं हाँ, तुमने जितना रेवेन्यू सैक्रीफाई किया तो हमने भी उतना रेवेन्यू सैक्रीफाई किया सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा फिफ्टी फिफ्टी अरे समझ में आया क्या भाई फिफ्टी फिफ्टी होगा बात जमती है तो ठीक नहीं तो हम बाहर जा रहे हैं अरे ये सो नो ये सेंट्रल वालों ने कहा ठीक है चलो फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड करते हैं फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड करते मतलब जो भी जीएसटी रेट फिक्स होगा और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ आई रिपीट दर्ड क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो वो डिवाइड होगा 50 50 में तो 5 परसेंट का 50 50, 12 परसेंट का 50 50, 18 का 50 50, अरे यस और नो और 28 का 50 50। तो यहां पे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होने के वजह से और स्टेट गवर्नमेंट का अपना इंपॉर्टेंस होने के वजह से सिंगल मॉडल जीएसटी पॉसिबल नहीं था इसलिए फिर उसको डिवाइड करके लाया ओके सी जी एस टी और एस जी एस टी तो फिर स्टेट यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ठीक हम रेवेन्यू डिवाइड कर लेंगे जो एस जी एस टी में पैसा आएगा वो सेंट्रल के अकाउंट में जाएगा अरे है ना और जो सी जी एस टी में पैसा आएगा वो सॉरी जो एस जी एस टी में पैसा आएगा चेक करा तो आपका ध्यान है नहीं है ना ओके okay, तो जो एस जी एस टी में पैसा आएगा स्टेट के पास जाएगा और ड मिनट हां तो सेंट्रल का सेंट्रल में स्टेट का स्टेट डन लेकिन फिर ये काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर ने मतलब चेयरपर्सन ने प्रपोजल दिया कि हम सिर्फ रेवेन्यू डिवाइड करेंगे लेकिन हमारा जीएसटी का पोर्टल कॉमन रहेगा वेबसाइट कॉमन रहेगी क्योंकि हमें प्रोसीजर में डिवाइडेशन नहीं चाहिए ये समझ में आया क्या तो वहां से एक नाम जन्मा कॉमन पोर्टल कॉमन पोर्टल का मतलब सेंट्रल और स्टेट का पोर्टल एक ही रहेगा डब्ल्यू 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 डॉट डॉट इन जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन समझ में आया क्या तो डब्ल्यू 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 डॉट जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन जहां तक टैक्स पेयर है वो सेंट्रल टैक्स दे या स्टेट दे फॉर्मेलिटी वो एक ही करेगा इस पोर्टल पे सारे स्टेट एग्री हो हमें कंसनता रेवेन्यू से टीटीएमएम से वो हो गया हाँ प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन सब कॉमन करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जीएसटी लॉ जो भी बनेगा जो भी फॉर्म्स बनेंगे जो भी प्रोविजन इनकॉर्पोरेट होगी जो भी रूल्स इनकॉर्पोरेट हो वो यहां जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन करके ही हम फाइनल करें यस और नो और जो भी रूल यहां फाइनल हो वो पूरे इंडिया को लागू हो इसलिए सी लॉ और एस लॉ ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है समझना वर्ड टू वर्ड सेम है इसलिए हमें सिलेबस में एस लॉ पढ़ना नहीं है जीएसटी लॉ पढ़ना नहीं है आपने सी जी एस टी पढ़ लिया मतलब ही एस जी एस टी पढ़ लिया सर फिर एस जी एस टी लॉ बनाए क्यों सी जीएसटी क्यों नहीं ओनली सी जी एस टी क्यों नहीं बनाया नहीं भाई साहब ये डुएल मॉडल की वजह से रेवेन्यू कैसे बायफ्रिकेट होता अरे ये सर नो yes, तो ये डुएल मॉडल की वजह से उनको ओके सी जी एस टी लॉ और हर स्टेट हर स्टेट यहां बैठा हुआ हर स्टेट अपने स्टेट में एस जी एस टी लॉ भी पास करेगा जैसे महाराष्ट्र जीएसटी लॉ राजस्थान जीएसटी लॉ पर मैं सारे स्टेट को कह देता हूं कि आपके जीएसटी लॉ जो हो गए वो वर्ड टू वर्ड सेम हो गए विथ क्या सी जीएसटी क्योंकि हम जो डिसाइड कर रहे हैं कॉमन मेल की डिसाइड कर रहे हैं आपको ऐसा तो नहीं कि सेंट्रली डिसाइड कर रहा है या ऐसा भी नहीं कि ओनली स्टेट डिसाइड कर रहा है इसलिए जो पहली लाइन सेंट्रल की होगी सेक्शन में वही सेक्शन में स्टेट की पहली लाइन होगी वर्ड टू वर्ड सेम होगा आई होप यू अंडरस्टैंड तो आज नो डाउट जीएसटी के अलग अलग लॉ है सी जी है यहां पे एस जी लॉ सारे स्टेट्स के हैं जैसे पहले वैट लॉ थे पर आज के एस जीएसटी लॉ कंप्लीटली इन अलाइन विथ क्या सी जी एस टी लॉ टू वर्ट सेवन भाई साहब आज तो ऐसा है कि आज जीएसटी का कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो वो नोटिफिकेशन उसी दिन उसी मोमेंट पे उसी टाइम पे कॉमन पोर्टल पे सेंट्रल में भी पब्लिश होता है और स्टेट में भी पब्लिश होता है इतना इतना यूनिफॉर्मिटी लाई है उन्होंने तो कहने के लिए आज सेंट्रल और स्टेट लॉ है लेकिन है तो एक ही जीएसटी सिर्फ रेवेन्यू डिवाइड हुआ है आई रिपीट क्या रेवेन्यू डिवाइड तो ये बताओ जीएसटी इंडिया में अब मैं कंक्लूड करता हूं इंडिया में जीएसटी सिंगल मॉडल में आया या फिर ड्यूअल मॉडल में आया क्यों ड्यूएल मॉडल में क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर था इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर था इसलिए उसको ड्यूअल मॉडल में लाया गया आई होप यू अंडरस्टू ओके तो यहां पे लिख दो जीएसटी मेनली ड्यूअल मॉडल में आया जीएसटी ड्यूअल मॉडल में आया ठीक है सेंट्रल और स्टेट सेंट्रल सीजीएसटी और स्टेट या यूटी अच्छा यूटी में कौन सा टैक्स लगता है यूटी जीएसटी अच्छा यूटी जीएसटी सेंट्रल को रिप्लेस करता है या स्टेट को रिप्लेस करता है सेंट्रल तो दोनों में रहेगा सीजीएसटी दोनों में रहेगा यूटी जीएसटी सिर्फ स्टेट को रिप्लेस करता है आई होप यू अंडरस्टूड तो यहां पे एस जीएसटी और यूटी जीएसटी एस जीएसटी और यूटी जीएसटी ठीक है डन तो यहां पे लेकिन ये तो था इंटरास्टरेट के केस में पर इंटरस्टेट के केस में एक स्पेशल डिजाइनिंग इंडिया ने की कौन से केस में इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में थोड़ा ओके okay, हम नो डाउट इस काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन करेंगे ओके पॉलिसी फिक्स करेंगे और ये आईजीएसटी कैसे जन्मा वो भी देखेंगे समझ में आया क्या तो इंटरेस्ट के, के केस में जहां तक देखा जाए तो उन्होंने इंटीग्रेटेड मॉडल लाया आई रिपीट द वर्ड क्या इंटीग्रेटेड मॉडल जिसे नाम क्या दिया गया आई तो इंटीग्रेटेड मॉडल इंटीग्रेटेड और आईजीएसटी विच इज द सम ऑफ सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी आई जी एस टी आया डन इनकेस ऑफ इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड अप्रोच में आयास टी प्लस एल चलिए हां ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच टैक्सेस नॉट सब्स्यूम अंडर क्या जीएसटी लर्न करना है मालिक दो लर्न करना है फॉर एमसीक्यू स्पेशली फॉर एमसीक्यू कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए अच्छा सब्स्यूम नहीं हुए का मतलब हिंदी में लिखो आज भी ये टैक्सेस इन एडिशन टू जीएसटी लगते हैं समझ में आया क्या सबसे भी नहीं हुए मतलब आज भी ये टैक्सेस इन एडिशन टू जीएसटी लगते हैं इन एडिशन टू जीएसटी लगते हैं डन इन एडिशन टू जीएसटी लगते हैं ठीक है थीके? एक है प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैंप ड्यूटी इसका तो लॉजिक क्लियर है क्योंकि जीएसटी गुड्स पे लगता है गुड्स मूवेबल रहते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स इमोएबल पे लगता है इमोवेबल पे लगता है इसलिए इसका जीएसटी से कोई कनेक्शन नहीं है दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हाँ इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है आई रिपीट इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है अभी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो लगती और, है और इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी से एग्जम्प्ट है फिलहाल तो पर इसके ऊपर सेपरेट टैक्स लगता है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फ्यूचर में अगर जीएसटी आ भी गया किस पे इलेक्ट्रिसिटी पे तभी तो ये टैक्स लगेगा क्योंकि ये जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है आज तो चलो इलेक्ट्रिसिटी एक्समट है आई होप यू यूस्ट ठीक है उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी ऑन क्या अल्कोहल ये इंपॉर्टेंट स्टार करना एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल इस पर हम आगे बात करेंगे उसके बाद में बेसिक कस्टम ड्यूटी अब दो वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ओके बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब बी और ऊपर जो सब्स्यूम हुआ वो एसीडी सी हुआ एसीडी मतलब एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जैसे एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी बता देता हूँ अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है तो इंडिया में इंपोर्ट जब होता है तो उसके ऊपर पहला टैक्स लगता है क्या बी ओके बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस प्लस उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगता है इंपोर्ट का ही इंपोर्ट का ही एडिशनल टैक्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी आई रिपीट एडिशनल कस्टम ड्यूटी तो जीएसटी में बताओ इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में दोनों मर्ज हो गए या सिर्फ एडिशनल मर्ज हो गया बेसिक बीसीडी मर्ज नहीं हुआ यह मर्ज नहीं हुआ यह आज भी लगता है अरे समझ में आया क्या तो यह जो है बीसीडी आज भी लगता है कौन सा मर्ज हो गया एडिशनल कस्टम ड्यूटी मतलब क्या हुआ मतलब अब इम्पोर्ट पे आई रिपीट इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा और एडिशनल कस्टम ड्यूटी के जगह लगेगा क्या जीएसटी इंपोर्ट पे जीएसटी भी लगेगा क्योंकि एडिशनल कस्टम ड्यूटी जीएसटी में आने के बाद अब उसका नाम क्या हो गया है जीएसटी आई होप यू अंडरस्टूड तो बीसीडी मर्ज नहीं हुआ है क्या मर्ज हुआ है एडिशनल कस्टम अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी का नाम हो गया है जीएसटी आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो ये था रिगार्डिंग टू बेसिक कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ और उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल ये ये स्टार्ट करना इसके लिए आगे स्पेशल डिस्कशन आएगा ओके एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल आगे स्पेशल डिस्कशन आएगा डन अब इसके बाद ये शॉर्ट नोट एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं ड्यूल जीएसटी मॉडल मॉडल इंट्रोडक्शन इन क्या इंडिया ये आपको लिख के देखना है ये आपको आज घर पे लिख के देना है वो आपका जो डेली प्रैक्टिस चलता है ना हम भी ऐसा हाँ डीपी क्यू तो हम भी ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं मैं ज्यादा नहीं दूंगा कुछ क्वेश्चन दूंगा पर वैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज डीपी क्यू में आपको जो है ये ड्यूएल मॉडल ऑफ जीएसटी ठीक है ये लिख के देखना है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ओके okay. चलो इसके पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूएल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ क्या फेडरल स्ट्रक्चर क्यों लाया गया चलो लर्न करने से ज्यादा लॉजिकली समझो ओके okay. क्या ड्यूएल मॉडल क्यों लाया गया इंडिया में गया। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर बात कर लॉजिकली क्लियर करो उसको ठीक है दूसरा अब अच्छा ड्यूल मॉडल मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर टैक्स लगाएगा फिफ्टी तेरा फिफ्टी मेरा समझ में आया क्या कभी ऐसा हो सकता है कि, कि आपके ट्रांजेक्शन पे ऑनली सीजीएसटी लगा हाँ, आपके ट्रांजेक्शन पे ऑनली सीजीएसटी लगा और एजीएसटी नहीं लगा ऐसा हो सकता है कि नहीं क्योंकि जीएसटी रेट डिवाइडेड ही दो पार्ट में है, तो जब भी सीजीएसटी रहेगा साथ साथ में एच रहेगा और एच के साथ साथ सीजीएसटी रहेगा समझ में आया क्या ये रहना ही है दोनों साथ में इंडिविजुअल कभी नहीं हो सकता इंडिविजुअल हाँ, जो हो सकता है वो कौन सा आईजीएसटी आई टी समझ में आया क्या ओके okay, तो ये आप समझ लो हस्बैंड वाइफ है सी जी एस टी एस जी एस टी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है नहीं सर वो ब्रेकअप हो जाता है हस्बैंड वाइफ भी ठीक है ओके okay, वो भी हो जाता है ओके okay, पर इनका तो ब्रेकअप कभी पॉसिबल नहीं है जन्मों जन्मों का साथ है सी जी एस टी और एस जी एस टी समझ में आए तो यहां पे ये बात निकली तो एक जोक मुझे याद आ गया <laughs> कल कल स्टेयर केस से मैं आ रहा था जोक में वाह वाह ओके ऑके वर्षो ने अच्छा बालाजी जोक है पर्सनल मत लेना हाँ तो बालाजी जो है स्टेयर केस पे ऐसा खड़ा था और वहां से कुछ लड़कियां जा रही थी तो बालाजी उनको देख रहा है ताक रहा है हाँ, 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 रुक जा नालायक ओके okay, तो बालाजी ताक रहा था तो कुछ लड़कियां आगे जाके पर्सनल मत लेना भाई ओके कुछ आगे आगे जाके कह रही है क्या जानवर है क्या <wardle> okay, जानवर है <bandwidth> बालाजी खुश हो रहा है बालाजी खुश हो रहा है वापस कुछ लड़कियां जा रही है बालाजी ताक रहा है वो आगे जाके लड़कियां कह रही क्या यार क्या जानवर है बालाजी और खुश हो रहा है उसके फ्रेंड सरप्राइज है यार ये खुश क्यों हो रहा है ओके तो ये बालाजी थोड़ी देर बाद बोलता है अरे यार वो जानवर के तो मुझे अच्छा लगता है अरे फ्रेंड्स अभी तू पागल है नहीं ओके जानवर का मैं नहीं होगा तू मेरी जान मैं तेरा बार ओके <laughs> <दा। laughs> तो ओके <जादे> <laughs> सो तो, तो जन्मो जन्मो का साथ है ओके <laughs> तो यहां पे जन्मों जन्मों का साथ है किसका सीजीएसटी और एसजीएसटी का टर्न टोवर डिस्कशन ना हो ओके यहां पे सेंटर और स्टेट अब देखो मैं थोड़ा सीनियर फैकल्टी हो गया हूं आपका मेरे तरफ देखने का अप्रोच भी अलग है तो मेरे को जोक्स भी वैसे बनाने पड़ेंगे शुभम सर अलग है यंग है Okay. <laughs> तो जहां तक देखा जाए तो मुझे बहुत सी बार ऐसा आता है कि मेरे मुझे क्वेश्चन आ जाता है आप क्या स्टूडेंट का मेरे तरफ तो देखने का अप्रोच बड़ा अलग होता है ओके okay, ये जो बताऊ कि नहीं बताओ <laughs> <laughs> तो या टर्न टू आवर डिस्कशन सेंटर चुप ना लाइक हा सेंटर एंड स्टेट उधर सब ठीक चल रहा है आप दोनों को मैं इस पार्लियामेंट में लॉ पास करके ऑथोरिटी देता हूं ठीक है तुम दोनों भी जो भी मोबाइल पे दिखेगा ना बॉस ठीक है तभी के तभी नो शो कॉज नोटिस ओनली कॉन्फिस्केट नहीं समझा नहीं <laughs> समझा ओके okay, मतलब ये हुआ कि भाई उनको कोई कारण नहीं दाखवा नहीं सीधा सीधा जब्ती समझ में आया क्या तो हा अगर जब्ती होने के बाद मैं दूंगा उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर कि तुम मोबाइल क्यों देख रहे थे कारण बताओ ओके <laughs> okay, वो एन एविडेंस कोई बोलेगा कि नहीं सर इंपॉर्टेंट कॉल था मम्मी का मैसेज था ठीक है बताओ ओपन करके और इविडेंस के साथ किसी ने टेम्परिंग किया evidence के साथ किसी ने अगर टेम्परिंग किया तो भाई साहब ऐसी पनिशमेंट होगी अगर जुनिन एविडेंस है तो मोबाइल वैसे ही बंद करना व्हाट्सअप अगर मम्मी पापा वगैरह होगा ओके okay, या बहुत कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वैसे ही बंद कर सो दैट में देख सकू टेम्परिंग अगर किसी ने किया एविडेंस के साथ तो मैं छोड़ने वाला नहीं हाँ ओके okay, तो चलिए आई होप आपको प्रोसेस समझी होगी हाँ तो सेंटर एंड स्टेट सर जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं उनका क्या होगा भाई साहब तुम्हारे लिए बताऊंगा क्या होने वाला है पर मैं तो यही कहूंगा कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रखें आप इंडिया की टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो नो no डाउट आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो जो आप शिक्षा ले रहे हो जो आप यहाँ पे इंसाइट ले रहे हो वह आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है मेरी तो बेस्ट विशेष है कि आप सारे सीए बनो और अच्छे मार्क्स से पास हो पर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नहीं भी बन पाए तो भी उसको लाइफ में बहुत काम आने वाला ये नॉलेज है इसलिए जितना आप सेम सेल्फ डिसिप्लिन यहां रखोगे आपको उतना हेल्पफुल होगा ठीक है चलिए वापस आते फेडरल ड्यूअल मॉडल में सेंटर और स्टेट अंडरलाइन साइमल्टेनियसली जन्मो जन्मों का साथ ठीक है साइमल्ट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ किसके ऊपर बेटा गुड्स और सर्विसेस टेक प्लेस विद इन अ स्टेट विद इन अ स्टेट मतलब इंट्रा यहां लिख दो इंट्रास्टेट और यूटी लेकिन ड्यूअल मॉडल में एक और मैकेनिज्म है क्या बेटा आईजीएसटी जीएसटी वाला कुछ समझ में आया ना इंटरस्टेट सप्लाईज टेक्सेबल गुड्स और सर्विस विल बी सब्जेक्ट टू क्या आई जीएसटी एंड इंटरेस्टेड सप्लाई सब्जेक्ट टू सीजीएसटी एंड एस जीएसटी वहां और क्या वर्ड आना चाहिए एंड एसजीएसटी कभी भी सी जी एस टी और एसजीएसटी के बीच में और मत यूज करना एंड वर्ड यूज करना ठीक है आईजीएसटी विल बी एप्रोक्सीमेटली समीजीएसटी एंड एस जी एस टी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस विल बी ट्रीटेड एज क्या इंटरेस्टेड एंड उसके ऊपर क्या लगेगा जस्ट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ठीक लास पॉंट है लास्ट वाले पॉइंट में पॉइंट लिखते आएंगे ईजी है लॉजिकली लिख पाओगे दो बार सवाल पूछा हुआ है एक आर में और एक एग्जाम में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूएल मॉडल ऑफ जीएसटी पॉइंट नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये पांच पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए डन चलिए अब समझ लो ये सारे टैक्सेस आने के बाद जीएसटी में अब क्या सर एक्साइज वैट सेल्स टैक्स ऐसा कुछ होगा क्या नहीं अब यहां पे वो मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर हो समझ में आया या रिटेलर हो ओके वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट यहां पे अब कोई अलग अलग टैक्सेस लगने वाले नहीं, नहीं। मार्केट भी सबको एक ही माना जाएगा फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट हो या ट्रेडर का मार्केट हो या रिटेलर का मार्केट आई होप यू अंडरस्टूड तो चलिए अब जीएसटी आने के बाद आपका मैकेनिज्म कैसा होगा तो यहां लिख लेते हैं टैक्सेस ऑन गुड्स रेट क्या है बेटा लिख लो यहां पे अज्यूम रेट 18 परसेंट टैक्सेस ऑन गुड्स अज्यूम रेट 18 परसेंट फेडरल क्या होता है सर फेडरल होता है बेटा इंडिया में कोई सिंगल गवर्नमेंट के पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ओके एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट उसे हम फेडरल कहते हैं ठीक है नेक्स्ट अब देखो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को जब सेल कर रहा है तो पहले मैन्युफैक्चर पर एक्साइज लगता था और सेल पे क्या लगता था वैट अब यह एक्साइज वैट लगने वाला नहीं है अब एक ही टैक्स लगने वाला है कौन सा जीएसटी अज्यूम लिख दो इंट्रा स्टेट ओके okay, सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा है सारे ट्रांजेक्शन क्या इंट्रा है तो समझ लो वैल्यू है वन लैख आई रिपीट वैल्यू कितनी वन लैख तो क्या लगेगा बेटा सी जीएसटी और एस जीएसटी फिफ्टी फिफ्टी लगेगा ना चलो निकालो करो करो वहां लिखो 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 सीजीएसटी और एस जीएसटी अच्छा अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है तो भी क्या लगेगा पुराने टैक्स लगेगे एक्साइज वैड की जीएसटी लगेगा जीएसटी लगेगा और ज, जैसे जैसे सेल होगा वैसे वैसे जीएसटी लगेगा आई होप यू अंडरस्टूड ये भी ये भी मल्टीपल स्टेज टैक्स है आई रिपीट ये भी मल्टीपल स्टेज टैक्स है तो समझ लो यहां पे भी जीएसटी लगेगा अज्यूम अभी हम कोई क्रेडिट वेडिट नहीं ले रहे हैं अज्यूम हम अभी कोई क्रेडिट वेडिट नहीं ले रहे हम सिर्फ ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं सभी ध्यान सुनो हम अभी कोई आईटीसी क्रेडिट सेट ऑफ वगैरह कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे अगर कोई कहेगा कि सर जीएसटी में भी तो फिर कैस्केडिंग हो गया नहीं ओके जब मैं इसको क्रेडिट के साथ मर्ज करूंगा तब तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी में कोई कैस्केडिंग नहीं है आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो चलिए यहां पर सी जी निकालते जाओ समझ लो वैल्यू एक लाख पचास हजार तो उसके ऊपर सी जी एस टी और जीएसटी नाइन परसेंट एज उसके बाद में होलसेलर को सेल कर रहा है रिटेलर को फॉर टू लैक्स और लास्ट रिटेलर सेल कर रहा है टू तो अल्टीमेट कंज्यूमर रिटेलर सेल कर रहा है टू तो एन अल्टीमेट कंज्यूमर डन सिर्फ मैकेनिज्म समझ लो फिर इसके साथ मैं क्रेडिट के फ्लेवर ऐड करूंगा बाद में ठीक है एक बार सर ये एग्जाम्पल से हम समझ क्या रहे हैं ये एग्जाम्पल से बस आप इतना समझ रहे हो मैन्युफैक्चरर हो डिस्ट्रीब्यूटर हो होलसेलर हो या रिटेलर हो अब सभी लोग एक ही टैक्स लगाएंगे क्या जीएसटी बस इतना ही समझो ये एग्जाम्पल से इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है चलिए ये तो हुआ जो गुड्स में बिजनेस करते हैं सर सर्विस में क्या होगा ओके सर्विस में जैसे वी स्मार्ट एकेडमी आपको सर्विस दे रही है तो सर्विस में भी अब सर्विस टैक्स लगेगा या जीएसटी लगेगा तो बेटा सर्विस टैक्स भी अब नहीं लगेगा अब लगेगा क्या ओनली जीएसटी समझ में आ रहा है यानी इंडिया के सारे एक सप्लाय गुड्स पे या सर्विसेज पे एक ही टैक्स रहेगा जीएसटी तो अभी मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां जयसर क्लास ले ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर न जयसर क्लास ले रहे और जयसर को अपने जो भी वो सर्विस दे रहे हैं अपना इन्वाइस बनाना है तो मुझे यह बताओ कि सर इन्वायस किस पे बनाएंगे स्टूडेंट्स पे सर को जो भी उनकी बैच है उनका कलेक्शन उनको लेना है और सर यहां इन्वाइस बना रहे तो किसके नाम का इन्वायस बनाएंगे तो आपके नाम का इन्वाइस बताओ जैसर का। इन्वाइस सर का आपके पास इन्वाइस है या शुभम सर का आपके पास इन्वाइस किसके है बीस मार्ट का है और जयसर जयसर का क्यों नहीं आपके पास अरे जयसर डायरेक्टली आपको सर्विस देते यहां आ रहे हैं यहां शुभम सर आपको सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस आपको नहीं दे रहे वो सर्विस वी स्मार्ट को दे रहा है और वी स्मार्ट आपको सर्विस दे रहा है तो मुझे बताओ अगर जयसर का इन्वाइस बनाना रहा तो समझ लो जा, ओके जय एंड कंपनी समझ लो सप्लायर नेम ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस एड्रेस पुणे डन जीएसटी नंबर जो भी जयसर का होगा ओके यहां पे ईमेल आईडी एंड फोन नंबर हु इज द रिसिपियंट ऑफ द सर्विस हा उनका इन्वाइस किसके ऊपर आएगा वी स्मार्ट पे आएगा द कंपनी नेम इज एड्यू स्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड वी स्मार्ट इज अवर ब्रांड कंपनी नेम इज एडूस्मार्ट अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड अच्छा एड्रेस पुणे और हमारा भी जीएसटी नंबर है समझ लो अरे सर न एडुस्मार्ट का भी जीएसटी नंबर है तो ये ट्रांजेक्शन बी टू सी हुआ या बी टू बी हुआ बी टू -बी।, बी, बी हुआ ये इनवाइस तो ख्याल रखना सर्विस में आपको कन्फ्यूजन होता है सर्विस में ये ध्यान रखना जिसके नाम का इन्वॉइस वो रिसिप इवन तो जैसा डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो रहे अरे येस और नो पर यू आर नॉट द रिसिपियंट ऑफ सर आई होप यू हु इज द हुपियंट ऑफ द सर्विस वी स्मार्ट चलो अब वी स्मार्ट इन्वाइस बना रहा है आपके लिए समझ लो वी स्मार्ट इन्वाइस बना रहा है आपने सर्विस का तो आपको जो रिसिप्ट आई होगी किसके नाम पे आई होगी स्मार्ट सप्लायर स्मार्ट अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जी ओके यहाँ पे बायर बालाजी ओके okay, रिसीप कौन बालाजी एड्रेस जो भी होगा जीएसटी नंबर ओके एड्रेस महाराष्ट्र भीड़ महाराष्ट्र ठीक है जीएसटी नंबर तो जीएसटी नंबर नहीं है ट्रांजेक्शन बी टू बी या बी टू सी होगा बी टू सी होगा अरे येस और नो आई होप यू अंडरस्टूड तो यहां पे ये, मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहां पे क्या हो गया ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हो कि वी स्मार्ट आपको सर्विस दे रहा है तो जब वी स्मार्ट आपको सर्विस देगा तो वो वैल्यू पे क्या लगाएगा जीएसटी जीएसटी इंट्रा होगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा कौन से दो पार्ट में डिवाइड होगा सी जीएसटी और एस जीएसटी समझ में आया और फैकल्टीज वी स्मार्ट को सर्विसेज दे रही है तो बताओ यहां पे भी ये भी सर्विस है तो यहां पे भी क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी और क्या लगेगा एसजीएसटी सर ये दो एग्जांपल से आप समझाना क्या चाहते हो पहली डायग्राम बताती है गुड्स का फ्लो दूसरी डायग्राम बताती है सर्विस का फ्लो इंडिया में जब जब भी कोई गुड्स सप्लाई होगा या जब जब भी कोई सर्विस सप्लाई होगी तो टैक्स लगेगा जीएसटी और जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होगा सीजीएसटी और एस जी एस टी और नेक्स्ट आए तो इसके बाद अब आपको यह सवाल पूछा लग गया कि इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं तो आपने सिर्फ दिमाग में लाना गुड्स सर्विस यस अरे यस और नो ओके गुड्स या सर तो अब आपका सवाल होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस ओके सर्विस और गुड्स की मीनिंग क्या है आगे आगे देखो ठीक है तो चलिए ये गुड्स ये आगे कवर करेंगे हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन एक एग्जाम्पल लेते हैं आ जाओ आपके नोटबुक में पी टू लिखो पेज नंबर लिखो आरएम लिखो नोटबुक में आ जाओ पी टू लिखो पेज नंबर लिखो आरएम लिखो आर एम मतलब रेगुलर मटेरियल <coughs> सर दूर से सोया हुआ मेरा भाई उठ गया क्या हुआ ठीक <laughs> है चलिए सर इंडिविजुअल का भी जीएसटी नंबर होता है क्या यस yes. ओके okay, अगर वो इंडिविजुअल बिजनेसमैन होगा प्रोपराइटर ओके इंडिविजुअल क्या बिजनेसमैन होगा और प्रोपराइटर होगा तो उसका भी जीएसटी में होता है चलिए यहां पे पी टू मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान सप्लाइड गुड्स और सर्विस फॉर रुपीज क्या ट्वेंटी थाउजेंड टू मिस्टर रमेश ऑफ राजस्थान भाई साहब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है या राजस्थान में ही अगर राजस्थान में तो सप्लाई इंट्रा है या इंटर है इंट्रा है कितने वैल्यू का है ट्वेंटी थाउजेंड एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस क्या नाइन परसेंट ईच फाइंड द फॉलोइंग सर ये रेट कैसे डिसाइड होता है ये रेट जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होता है ओके okay, ये जो फाइव ट्वेल्व एटीन और ट्वेंटी एट स्लैब डिसाइड हुए ये जीएसटी काउंसिल ने मिलकर डिसाइड किए उसके लिए उनके फैक्टर्स थे कुछ फार्मूला थे और पुराने लॉस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सब रेट्स डिसाइड किए हैं उसके डिटेल में हमें जाना नहीं है कि उन्होंने क्या किया था उसके लिए ठीक है बस आपको सर प्रॉब्लम में रेट दे दिए जाते हैं क्या यस yes, आपको रेट्स लर्न नहीं करना है प्रॉब्लम में रेट दे दिया जाएगा जो रेट प्रॉब्लम में दिया जाएगा वो आपको बेस लेना है इज इट क्लियर फॉर अवर कैलकुलेशन तो उन्होंने रेट कितना दिया नाइन परसेंट एच फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर इज लाइवल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट सबसे पहले लिखो सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस Total price charge particulars and amount in rupees. Particulars, mein. what is the value of supply? <laughs> value of supply. वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस कितना दिया है यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड अच्छा ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है इंट्रास्टेट तो क्या लगेगा सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट निकाल लो कितना आता है एटीन हंड्रेड तो व्हाट इज द टोटल प्राइस ट्वेंटी थ्री सिक्स हंड्रेड निकल गया टोटल प्राइस चार्ज दूसरा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है इज लायबल टू पे जीएसटी जब भी ये सवाल आता है इज लायबल टू पे जीएसटी तो मतलब गवर्नमेंट को कौन देगा मतलब क्या गवर्नमेंट को कौन देगा अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स रिसिपियन देता है या सप्लायर देता है गवर्नमेंट को सप्लायर देता है एंड बर्डन एक बार एक बार फिर से स्टेप कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट को सप्लायर देगा एंड बर्डन पास ऑन यार ये समझा नहीं समझा तो क्या यहां पे टैक्स रिसिपियंट देगा या सप्लायर देगा सप्लायर हु इज द सप्लायर मिस्टर सुरेश तो लिखो सेकेंड पॉइंट मिस्टर सुरेश रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर इज लायबल, लायबल टू पे सीजीएसटी, जी एस टी रुपीज एटीन हंड्रेड एंड एस जी एस टी रुपीज क्या एटीन हंड्रेड टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, एंड अगर आपको लिखना होगा तो एंड बर्डन बर्डन विल बी पास ऑन टू बायर कौन था मिस्टर रमेश टू मिस्टर रमेश ठीक है सर ये प्रॉब्लम से क्या सीखे ये प्रॉब्लम से आपको दो बातें कि टोटल प्राइस कैसे निकालना और जब भी ये वर्ड आए इज लाइबल टू पे तो आपको बायर नहीं लिखना है बायर पे बर्डन आता है आई रिपीट बायर पे बर्डन आता है पे कौन करता है सप्लायर आई होप यू अंडरस्टूड ओके चलिए ओके जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर वेरियस क्या बिजनेसेस वेरियस बिजनेसेस अब ये जो मैं डिस्कशन लेने वाला हूं नेक्स्ट 10-15 मिनट्स का डेथ में जा रहा हूं वैसे अभी एग्जाम के हिसाब से कोई काम का नहीं है ये नेक्स्ट टेन फिफ्टीन मिनट्स का जो डिस्कशन लूंगा उसमें अगर आपके माइक्रो लेवल के डाउट गए तो भूल जाना मैक्रो लेवल के डाउट हो गए ब्रॉड सेंस में तो वो मैं कंसिडर करूँगा सर कहना क्या चाहते हो बताता हूं बताता दो क्या कहना अभी अब ये मैं जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि वो जो फील है ना जीएसटी का अब आएगा आपको ठीक है तो यहां पे दो मिनट हाँ एक पुरानी फाइल लेता हूं आपको लिखना कुछ भी नहीं है एक मिनट नहीं रुक जाओ थोड़ा ये एग्जाम्पल बाद में लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा डिजाइन करना पड़ेगा हाँ ये एग्जाम्पल हम थोड़ा ब्रेक के बाद लेते हैं इसमें थोड़ा सा बैड कॉन्सेप्ट भी आता है तो पहले मैं बैड कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा और बाद में हम ये एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट जस्ट मिनट नहीं ब्रेक मेरा नाइन ट्वेंटी के पहले भूल के भी नहीं होगा ठीक है वो समझ लो और नाइन ट्वेंटी के पहले बोलना भी मत किसी ने वो नाइन ट्वेंटी के बाद ही होगा ब्रेक चलिए अब थोड़ा श्ट -श्ट ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाना चाहता हूँ आई जी एस टी यूनिक फीचर इन इंडिया अंडर ओके जी एस टी मॉडल जी एस टी यहाँ पे मॉडल कर देना जी एस टी मॉडल अच्छा हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं आई जीएसटी मॉडल पढ़ने वाले नाला एक सही है पर जीएसटी मॉडल पढ़ने वाले हैं ठीक है तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और यह आपको लिखना है एक सेलर है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ रीजन होगा उसके पीछे जैसा कल अगर किसी स्टूडेंट को लगा होगा कि मैं उसको ड्रिल कर रहा हूँ और एक वर्ड पे ला रहा हूँ तिजोरी पर तिजोरी के पीछे पूरा इतिहास था अरे आया ना। तो मैं जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं उसके पीछे कुछ रीजन समझ लो ओके okay, और 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है कहा कौन सी चीज पढ़ाना है मेरे पे छोड़ दो ओके ये आप मत डिसाइड करो कि स्लो चल रहा है सिलेबस होगा क्या नालायक तुम्हारे से ज्यादा 20 साल जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे सबसे मेरे को मालूम है कि कैसे क्या कवर करना है। ये समझ में आया क्या तो वो आप जज मत करो मेरे पे छोड़ दो बाकी मैं संभाल लूंगा क्या करना है ठीक है तो यहां पे सप्लायर समझ लो महाराष्ट्र का है सप्लायर कहाँ का महाराष्ट्र का। और वो बायर जो है महाराष्ट्र के बाहर बायर को ही सप्लाई कर रहा है तो बताओ एक बार फिर से जब सप्लायर महाराष्ट्र के बाहर को ही सप्लाई कर रहा है तो ये जो ट्रक डिलीवरी हो रही है पुणे से नागपुर समझ लो तो ये सप्लाई इंटर है या intra? इंट्रा है तो चलो पहले लिख दो सप्लायर दूसरा लिखो इंट्रा पहले लिखो सप्लायर दूसरा लिखो ट्रक के ऊपर इंट्रा इंट्रा अच्छा अगर ये इंट्रा ट्रांजैक्शन होता है तो क्या लगेगा सीजीएसटी 50% परसेंट ऑफ रेट 50% परसेंट ऑफ रेट ऐसा लिखना पूरा और एसजीएसटी 50% परसेंट ऑफ रेट जो भी रेट होगा ठीक है नेक्स्ट अब मुझे यह बताओ कि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और आप जो गुड्स बेच रहे हो हो सकता है डायरेक्ट कस्टमर हो हो सकता है अमेजोन के थ्रू कस्टमर हो अरे है ना हो सकता है कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर हो हो सकता है इंस्टा के थ्रू कस्टमर हो यस और नो पर आपकी गुड्स की डिलीवरी कोई भी मोड से सेल हुआ होगा डिलीवरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट जा रही है वन स्टेट टू अनादर स्टेट जा रही है अब थोड़ा मैं डेप्थ को पकड़ना चाहूँगा समझ लो ये सप्लायर जो है ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है और गुजरात का बायर आई रिपीट गुजरात का बायर ये जो है ये पी क्यू आर लिमिटेड है पी क्यू आर लिमिटेड मैं कंपनी ले रहा हूं पर ये प्रोपराइटर भी हो सकता है ये पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है अरे यस और नो कोई भी ऐसा पर्सन इंडिविजुअल एच कंपनी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस कर रहे हैं आई रिपीट जो बिजनेस कर रहे हैं आई होप यू अंडरस्टूड अब ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर चलो इसका बिल बनाते हैं मैं इसकी आदत इतनी लगाओगाना ना और आपको आखिरी में समझ में आएगा कि एक बिल पर सर ने पूरा जीएसटी लॉ एक्सप्लेन किया है समझ में आ रहा है पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक इसका पीछा नहीं छोड़ूगा ठीक है तो पहला हु इज़ द सप्लाई चलो टैक्स इनवाइज बनाते नाम क्या है नाम क्या है टैक्स इनवाइज <laughs> <क्या है>? <laughs> हाँ जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हो तो आपके इनवाइस का नाम बनता है टैक्स इनवाइस ऐसा इनवाइस जिसमें टैक्स लगाया जा रहा है यस और नो अच्छा टैक्स इनवाइस बनाया जा रहा है इसमें कंपनी नेम क्या था कंपनी नेम वाई जेड लिमिटेड ठीक है तो एड्रेस क्या महाराष्ट्र महाराष्ट्र पुणे वगैरह जो भी डिटेल एड्रेस देना है तो डिटेल एड्रेस वॉट एवर इट में भी ओके उसके बाद में जीएसटी नंबर तो जो भी यहां पे जीएसटी नंबर होगा बायर बायर कौन था PQR. चलो मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ कौन पीक्यूआर पीक्यूआर लिमिटेड गुजरात जीएसटी नंबर जो भी जीएसटी नंबर होगा ओके ईमेल आईडी वगैरह अब बेटा इनवाइस नंबर इनवाइस नंबर बड़ा क्रुशियल है हमारे लिए क्यों मैं बाद में बताऊंगा इनवाइस नंबर है ट्रिपल जीरो वन डेट कोई जो भी डेट होगी ड्यू डेस्टिनेशन मेरे गुड्स का डेस्टिनेशन महाराष्ट्र है या गुजरात है? भाई साहब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायर का एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं जितना डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेस्टिनेशन से डिसाइड होगा कि मेरा इंट्रा है या इंटर है समझ में आया क्या तो समझ लो ऐसा भी हो सकता है कि डेस्टिनेशन समझ लो मेरा महाराष्ट्र ही है ऐसे कैसे हो सकता है बायर गुजरात का है पर वो कह रहा है डिलीवरी मुंबई में देना है अरे समझ में आया ना क्या पुणे से डिलीवरी कहा देना है मुंबई देना है बिलिंग में उस पर भेज रहा हूं किस पे गुजरात पे पर डिलीवरी मुंबई में दे रहा हूं तो आपका इंट्रा या इंटर बाहर के एड्रेस पे डिसाइड नहीं होता है एक बार बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आपका इंट्रा और इंटर बाहर के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है किसके हिसाब से डिसाइड होता है डेस्टिनेशन क्या है गुड्स का मेरा डेस्टिनेशन गुड्स का भी कहां है बेटा गुजरात तो अगर मेरा गुजरात का डेस्टिनेशन है तो बोलो ये ट्रांजेक्शन इंट्रा हुआ या इंटर हुआ इंटर हुआ अरे समझ में आया क्या सबके इंटर हुआ समझ लो जो भी प्रोडक्ट होगा समझ लो यहां पे प्रोडक्ट यहां पे हमारा मोबाइल ले ले लो ओके मोबाइल ये हमारा प्रोडक्ट होगा एच क्या होता है बताओगा धीरे धीरे सारी चीजें ओपन करूंगा समझ में आया क्या एच एस एन क्वांटिटी यूनिट वगैरह जो भी होगा तो अगर मेरा वैल्यू पांच लाख है तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पे हाँ जब मैं फाइव लैक्स मेरी प्राइस है तो मेरी प्राइस पे मैं क्या निकालूंगा सी जी एस टी एच जी एस टी या आई जी एस टी तो मैं अब यहां पे नीचे आउटपुट एक वर्ड यूज कर रहा हूं क्या आउटपुट आई जी एस टी सी जी एस टी डैश आई रिपीट सी डी एस टी डैश एस जी एस टी डैश और आई जी एस टी का रेट कितना है रेट हमारा समझ लो एटीन परसेंट ओके रेट हमारा एटीन परसेंट तो क्या लग जाएगा फाइव लैक्स का एटीन परसेंट निकालो हा नाइनटी नाइनटी थाउजेंड ये मेरा आई जी एस टी निकल गया सर ये एग्जाम्पल से क्या समझे ये एग्जाम्पल से मैं आपको बस एक ही जो बहुत कोर बात है समझाना चाहता हूं कि आपका जो डेस्टिनेशन जिसको अब आगे हम एक वर्ड यूज करेंगे लॉ के कॉन्टेक्सट में प्लेस ऑफ सप्लाई आई रिपीट सब मेरे साथ लर्न करो और बोलो सब मेरे साथ लर्न करो बोलो ऑनलाइन भी आगे डेस्टिनेशन को क्या वर्ड यूज करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई आई रिपीट जोर से प्लेस ऑफ सप्लाई वो फिक्स करेगा वो इंट्रा है इंट्रा

तो ये अगर इंटरस्टेट होता है तो लिखो आप इंटरस्टेट होता है तो क्या लगेगा आई जीएसटी और आईजीएसटी हंड्रेड परसेंट ऑफ रेट हंड्रेड परसेंट ऑफ रेट मतलब इफ टोटल रेट फाइव तो फाइव टोटल रेट ट्वेल्व तो ट्वेल्व वो फिफ्टी फिफ्टी में डिवाइड नहीं होगा तो यहां तक तो जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पे कनेक्टेड है ऐप में भी बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है ओके okay, बताओ समझा या नहीं समझाओ होगा सभी को तो वन टाइप करो फटाफट ऑनलाइन की बात कर रहा हूं नालायक ओके okay, तो समझा तो फटाफट वन टाइप करो चलिए तो तो हुआ, ये तो हुआ किसका बेटा ये तो हुआ गुड्स का। का। अब अब बात करते हैं क्या? सर्विस ध्यान से सुनना। मैं यहां पे मेरा आज का लेक्चर ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं ऐप पे भी कर रहा हूं और यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंट पुणे में बैठे कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन अप अपने स्टेट में है? जाँगा। कुछ स्टूडेंट पुणे में बैठे स्टूडेंट ऑनलाइन आप अपने स्टेट में हैं जिन्होंने ओ पी डी लाइव स्ट्रीमिंग लिया है तो मुझे बताओ जो स्टूडेंट्स पुणे में, में मेरा क्लास कर रहे हैं फेस टू फेस ये इंटर होगा या इंट्रा या। अरे कैसे इंट्रा होगा भाई बिल बनाते हैं। एक मिनट पहले फेस टू फेस का बिल बनाते हैं। एक मिनट फेस टू फेस का बिल बनाते हैं। minute, face -face का बिल बनाते, बनाते सर्विस का बिल ट्यूशन फीस ठीक है सप्लायर कौन सप्लायर कौन एड्युषमा एड्रेस पुणे महाराष्ट्र एड्रेस पुणे महाराष्ट्र ओके जीएसटी नंबर है हाँ है ओके okay, उसके बाद में कोई यहां एक मिनट एक मिनट कोई अदर स्टेट का कौन है यहां पर व्हाट्स योर नेम 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 अमित तो समझ लो बायर कौन अमित कहा से है बिहार से ओके okay. क्या अमित का जीएस अमित का जीएसटी है नहीं ट्रांजेक्शन बी टू बी बी टू सी बी टू सी क्लियर यस और नो लेकिन मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे है मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे बायर का एड्रेस बियार है अरे यार पर ये बंदा जहां मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं सर्विस ये पुणे में हो रही है फेस टू फेस की बात कर रहा हूं मैं फेस टू फेस की बात कर रहा हूं तो मुझे ये बताओ अगर मैं फेस टू फेस में पुणे प्लेस ऑफ सप्लाई लिखो और बाहर का एड्रेस बिहार है तो ये इंट्रा है या इंटर है इंट्रा है क्यों इंटर क्यों नहीं हमें बाहर का एड्रेस नहीं देखना है अब थोड़े स्टैंडर्ड वर्ड्स हमें दो चीजें देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर वर्ड बोलो मेरे साथ रिपीट करो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर क्या दो अलग अलग स्टेट में है इंटर सॉरी इंट्रा सेम स्टेट में होगे तो इंट्रा अलग अलग स्टेट में होगे तो तो एक बार फिर से वो कॉर्नर से देखिए वो कॉर्नर तक हमें एक मिनट इंट्रा और इंटर के लिए क्या देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लायर समझ तो में ना तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहा पुणे में तो ये क्या हुआ इंट्रा इसलिए अमित तुझे जो बिल मिला है उसमें क्या लगा के मिला है सी जी एस टी और एच जी एस टी इवन तो तूने एड्रेस बिहार का दिया होगा सी जी एस टी और एच जी एस टी आई होप यू अंडरस्टूड नाउ समझ लो यहां पे कोई ऑनलाइन स्टूडेंट बैठा है ऑनलाइन यहां पे ओके okay, नाम लेते हैं एग्जाम्पल लो कोई बताएगा कौन से स्टेट से हो आप ऑनलाइन ओके अरे नालायक को एड्रेस बताओ सर की एक्टिंग सो ब्यूटीफुल <laughs> एड्रेस बताओ ओके okay, तो यहां पे लेते हैं प्राची प्राची हरियाणा तो बायर डिटेल बायर डिटेल प्राची और प्राची कहां से है हरियाणा ठीक है हरियाणा जीएसटी नंबर नहीं है बी टू सी है अच्छा अब मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होगा ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया ना कंफ्यूज क्योंकि कोई ये सोच रहा होगा सर सर्विस तो आप पुनः से दे रहे हो हरियाणा नहीं बाहर का एड्रेस हरियाणा है पर हम बाहर के एड्रेस पे जाते ही नहीं है हम बाहर के एड्रेस पे नहीं हम फिक्स करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई तो सर्विस का सप्लाई कहां हो रहा है तो भाई साहब ये कंफ्यूजन होता है इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाए हैं और एक चैप्टर है आई जी एस टी एक्ट जिसमें बताया है प्लेस ऑफ सप्लाई और आपको अब ये न्यू सिलेबस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करना उसके अराउंड आपको 25 रूल्स है और वो 25 फाइव रूल्स आपको लर्न करना है अंडर आई जी एस टी एक्ट सर यह प्लेस ऑफ सप्लाई कॉमन सेंस से फिक्स कर सकते हैं आई जी एस टी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई के पढ़कर आपको यहां पे फिक्स करना पड़ता है वॉट शुड बी द क्या प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैं वो रूल को मुझे पता है इसलिए मैं बता देता तो, हूं इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा हरियाणा ये कॉमन सेंस है या रूल पढ़ने के बाद रोल पढ़ने के बाद तो क्या फिक्स होगा हरियाणा तो हरियाणा फिक्स होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर समझ में आया क्या एंड प्लेस ऑफ सप्लायर क्या ये सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में है तो इसी बैच के एक स्टूडेंट को सीजीएसटी और एसजीएसटी और इसी बैच के दूसरे स्टूडेंट को आईजीएसटी क्योंकि मेरा बिलिंग दोनों का अलग अलग है और हर बिल पे डिसाइड करना पड़ता है कि ये इंट्रा है इंटर है।, इंट्र है।, है क्या हर बिल पे डिसाइड करना पड़ता है ये इंट्रा है या इंटर आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे केस में अकॉर्डिंगली मैं ये बिल में सीजीएसटी जीएसटी लगाओगे या आई जीएसटी लगाऊंगा आई जीएसटी लगेगा डन 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 तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम यहां पे आ जाते हैं ओके okay, यहां आ जाते हैं तो जो सर्विस लिखो यहां पे मैंने इंट्रा दिया तो सीजीएसटी और एस बेटा अगर ऑनलाइन समझाओगे तो फटाफट फड़ टू टाइप करो वन <laughs> हो गया आपका ऑनलाइन समझाओगे तो फटाफट फड़ टू टाइप करो चलो हो गया और अगर इंटरस्टेट जाता है तो तो मुझे ये बताओ एलओएस सॉरी इंट्रा या इंटर आप कॉमन सेंस से डिसाइड करोगे क्या नहीं yes. आप किससे डिसाइड करोगे एलओएस एंड पीओस और पीओ एस के लिए रूल हो गया समझ में आया yes. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर तो देखो इसलिए उसके नीचे स्पेस दिया मैंने डायग्राम के नीचे डायग्राम के नीचे स्पेस दिया अब आपको कुछ लिखना है देखो लिखो वहां पे following are the transactions like following are the transactions following are the fast like now, are the transactions called as called as interstate supply following are the transactions called as interstate supply मिनट पढ़ना मत मुझे बताओ जब आपका एलओएस आई रिपीट जब आपका हमने इंटर बोला या इंटर बोला इंटर बोला ना तो इंटर कब होगा जब आपका एलओएस एलओएस लो मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई जब आपका एलओएस एक स्टेट में है, और पीओएस दूसरे स्टेट में आपका पीओ एस पीओ एस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में तो ये ट्रांजेक्शन इंटर हुआ हमें सिर्फ इंटर कब कब होता है वो बताना है ये समझ में आया क्या yes. तो लिखो पहला लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस फर्स्ट लिखो लोकेशन लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस ब्रैकेट में एलओएस अब इसके आगे मैं एलओएस एस वर्ड यूज करूंगा ठीक है एलओएस एस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस ब्रैकेट में पीओएस अच्छा एक बार फिर से इंटर स्टेट कब बोलेंगे आर इन टू डिफरेंट स्टेट लिखो आर इन टू डिफरेंट स्टेट एक बार फिर से हमें रिसिपियन का एड्रेस देखना है या पीओएस देखना है पीओएस पीओएस देखना है आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स <clears throat> आगे का ब्रैकेट का लिखना हो तो लिखना छोड़ दो उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझ गया आपको कंसेप्ट दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट सिंपल वर्ड में दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट दूसरा एक मिनट पहला तो हो गया हम इंटर स्टेट तब बोलेंगे दूसरा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस एंड प्लेस ऑफ सप्लाय आर इन हां एलओ एस आर पीओएस आर इन स्टेट एंड यूटी अच्छा मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र का है और बाहर अंदमान निकोबार का है बाहर कहां का है अंदमान मतलब लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन स्टेट एंड यूटी स्टेट एंड यूटी मतलब एक state पार्टी स्टेट में एक पार्टी सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई यूटी में समझ में आया क्या तो ये ये भी क्या बोला जाएगा इंटरेस्ट है चल लिखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस ब्रैकेट में LOS एंड ब्रैकेट में LOS एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस एंड ब्रैकेट में POS आर इन इन स्टेट एंड यूटी स्टेट एंड यूटी सो यहां से अगर कोई गुड्स डेस्टिनेशन चंडीगढ़ जा रहा है महाराष्ट्र से चंडीगढ़ तो इंटर स्टेट होगा अच्छा मैं आपको बताऊं क्या पंजाब से चंडीगढ़ भी जा रहा होगा पंजाब से चंडीगढ़ भी जा रहा होगा जो यूटी है तो भी वो इंटरेस्टेड हो जाता है मैंने तो ऐसे बिल देखे कि 10 किलोमीटर चंडीगढ़ के बाहर पंजाब हरियाणा और 10 किलोमीटर में डिलीवरी दी कहा चंडीगढ़ में आई एस टी लगेगा क्योंकि स्टेट से यूटी हो गया समझ में आया क्या तो वहां क्या लगेगा आई जी एस टी बोला जाएगा ब्रैकेट में बाईस वर्षा वर्षा मतलब उल्टा ले लो बट बस इतना इमेजिन करो एक स्टेट और एक यूटी दूसरा दूसरा यूटी टू यूटी जा रहा है यूटी टू यूटी, यूटी मतलब चंडीगढ़ से चंडीगढ़ यूटी है और वहां से अंदमान निकोबार जा रहा है तो ये भी आईजेस्ट इंटर ही बोला जाएगा देखो नाम पे मत जाना इवन दो नाम इंटरस्टेट है अब कोई बोलेगा सर उसको इंटर यूटी क्यों नहीं बोलते नहीं वो एक टर्म फिक्स कर दी उन्होंने इंटर स्टेट इंटर स्टेट में यूटी टू यूटी भी आएगा अरे समझ में आया क्या <laughs> लिखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस एलओएस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस एंड प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाय पीओ एस आर इन डिफरेंट यूटीज आर इन डिफरेंट यूटीज चलो पहले तीन लर्न कर लो कब बोला जाएगा इंटरेस्टेड स्टेट टू स्टेट एलओएस पीओएस ओ एस समझ में आया क्या स्टेट टू यूटी एल पीओएस एस और यूटी टू यूटी एलओएस पीओएस ओ एस समझ में आया क्या चलिए अब ये दो पार्ट मैं कह रहा हूं लिख लो एक्सप्लेन करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी इंटरस्टेट बोला है आई रिपीट क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी इवन दो ये इंटर कंट्री है इवन दो ये इंटर कंट्री है पर उसको जीएसटी में इंटरस्टेट ही नाम दिया है तो अब इंटरस्टेट में सिर्फ स्टेट टू स्टेट आता है या कंट्री टू कंट्री भी आता है कंट्री टू तो वेरी इंपॉर्टेंट सभी ध्यान दे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को भी क्या लिखा गया है इंटरेस्टेड तो लिखो नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस नेक्स्ट लिखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस और नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस सो एक बार मेरे साथ लर्न करो देर आर टोटल फाइव ट्रांजेक्शन ऑफ क्या इंटरस्टेट बताओ कौन से फाइव ट्रांजेक्शन स्टेट टू स्टेट स्टेट टू यूटी यूटी टू यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसे इंटरस्टेट बोला जाएगा और इसके ऊपर लगेगा आई जी एस टी पे तो बीसीडी भी लगता है बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस आई आई तो इंपोर्ट पे अगर इसके बाद में आपको सवाल पूछा गया कि ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स कौन सा जीएसटी लगता है तो डिफॉल्ट लिख देना आई क्योंकि इंपोर्ट ऑलवेज इंटरस्टेट माना जाएगा और एक्सपोर्ट ऑलवेज इंटरस्टेट माना जाएगा ओके okay, तो ये था कि कब आपको तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओगे तो बताओ इंडिया में इंट्रास्टेट के लिए कितने एक्ट है तीन एक्ट है बताओ कौन से तीन एक्ट है सीजीएसटी और एसजीएसटी आई रिपीट सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तो नो no डाउट जन्म जन्मों का साथ है इंट्रा पे और एक है यूटी जीएसटी यूटीजीएसटी किस किसको रिप्लेस करता है एस जीएसटी को रिप्लेस करता है मतलब अगर ट्रांजेक्शन यूनियन टेरिटरी में होता है तो एस जी एस टी को ओके तो चलिए ये अंडरलाइन कर लो बेटा अंडरलाइन करो हाँ क्योंकि अंडरलाइन करने का मजा ही है कि जब नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो तो लगता है पढ़ा हुआ है और अंडरलाइन नहीं किया तो ऐसा डाउट आता है पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ठीक है तो अंडरलाइन करो यहाँ पे और बताओ सीजीएसटी एस और जी के रेट क्या हो गए ब्रिटानिया फिफ्टी फिफ्टी अरे है हाँ ना तो रेट क्या हो गए फिफ्टी फिफ्टी चलिए उसके बाद में इंटरस्टेट में कौन सा टैक्स लगता है आईजीएसटी ओके ये आईजीएसटी थोड़ा मैं यहाँ पे हाँ आपको और एलाबरेट कर देता हूँ ये एक इंपोर्ट ट्रांजेक्शन और ये एक, 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 एक एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ठीक है बेटा ये पूरा जो पिक्चर है ये मेरे ग्राफिक्स टीम में बनाया हुआ है ठीक है अभी एआई का जमाना है पर ये 2013 से ऐसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में यूज कर रहा हूँ इन माय नोट्स ठीक है और ये तब ये बनाने को मुझे साढ़े तीन घंटा लगा था उसका हर कैरेक्टर बनाने को साढ़े तीन घंटा लगा था नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी आज अभी तो क्या है ए का जमाना है अब कोई बड़ी बात नहीं है ओके चलिए अगर आप इम्पोर्ट करते हो शिप दिखा कंटेनर दिखे इंपोर्ट दिखा अब अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पे कौन से टैक्स लगते हैं लिखो पहले तो बीसीडी लगता है बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एसीडी लगेगा या आईजीएसटी? अब एसीडी का नाम क्या कर दिया है आईजीएसटी, ठीक है और इंपोर्ट ऑलवेज इंपोर्ट ऑलवेज इंट्रा स्टेट स्टेट चलो लिख लो इंपोर्ट चलो लिख लो इम्पोर्ट सर 2013 में जीएसटी नहीं था बेटा ये कस्टम तो था ना नालायक तू फालतू टाइम पास मत कर <laughs> कस्टम तो था ना तो उसका डायग्राम है <laughs> <भी चार> <laughs> वो यूट्यूब पे या ऐप में क्या मूड आया तब तो क्वेश्चन पूछ लो ओके okay. कुछ भी लिख दो चलिए तो आपको इंपोर्ट पे क्या लगेगी कस्टम्स ड्यूटी जिसे हम बीसीडी कहते हैं बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस क्या लगेगा आईजीएसटी जो एसीडी है अरे यस yes no? और नो इंपोर्ट ऑफ और नीचे लिखना इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई चलिए एक्सपोर्ट अगर समझ लो आप कार एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन भी आईजीएसटी में आते हैं यस yes. तो लिखो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लिखो आईजीएसटी और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई डन 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 चलिए दोस्तों तो यहां पे एक लेते छोटा सा ब्रेक yeah. yeah. ठीक है कम बैक विद इन टेन मिनट्स कॉन्डोनेशन ऑफ कम बैक विद इन टेन मिनट्स कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइव मिनट्स ठीक है एक्सपोर्ट में कुछ गुड्स पे बीसीडी लगता है सही एक्सपोर्ट में कुछ गुड्स पे बीसीडी लगता है हाँ कोई ऑनलाइन क्वेश्चन हो गया तो पूछ सकते हो ब्रेक में मैं एंटरटेन कर लेता हूं एक्सपोर्ट में सारे गुड्स पे बीसीडी नहीं लगता है कुछ गुड्स पे लगता है डीपीक्यू के बारे में आखिरी बताता हूं मोनिका कहा क्या क्या कर रहा है इंपोर्ट के केस में सारे गुड्स पे बिजली लगता है पर एक्सपोर्ट के केस में सारे गुड्स पे नहीं लगता है सर आप नाना पाटेकर लग रहे हो मैं कभी अमिताभ बच्चन लगता हूं कभी शाहरुख लगता हूं कभी नाना पाटेकर लगता हूं हाँ सर इनवाइस का कॉन्सेप्ट कौन सा इनवाइस का कॉन्सेप्ट बेटा डरो मत बेटा तृप्ति इनवाइस धीरे धीरे आते जाएगा मैं और डिटेल में बता दे जाऊंगा डोंट वरी हैप्पी बर्थडे सर नहीं नहीं आज कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है मेरा हाँ अगर मेरी सर्विस बिजनेस के लिए यूज होगी तो बी टू बी hmm. एलओएस पीओएस पे अगर कोई क्वेश्चन हो गए तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आई जी एस टी एक्ट में लूंगा अभी नहीं लूगा चलिए अब ब्रेक ले लो ब्रेक की स्लाइड लगा दो Hello. Hello. चलिए रेडी हो येस और नो रिजुल आपके क्वेश्चन के लिए रुक जाना आगे हम डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ लिख के रख दो बी टू बी के लिए थोड़ा और डिस्कशन हम करेंगे आगे और क्लैरिटी मैं दूंगा आपको तनुश्री आज सेशन के एंड में आपका ऑर्डर आईडी दे देना आपको जो भी दिक्कत है तो मैं पर्सनली देख लूंगा लेवी मींस लाइबिलिटी टू पे टैक्स नहीं बेटा सीजीएसटी और एजीएसटी के साथ आईजीएसटी लग ही नहीं सकता क्योंकि ट्रांजेक्शन आयदर इंट्रा होगा या इंटरस्टेट होगा तो इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एजीएसटी और इंटरस्टेट होगा तो, तो आईजीएसटी चलिए आप आ जाइए ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स आई थिंक पेज नंबर एटीन एटीन वन एट वन एट पे आ जाओ इन बिटवीन जो थेरी कॉन्सेप्ट है बाद में लेंगे ठीक है इन बिटवीन जो थैरी कॉन्सेप्ट बाद में लेंगे आप आ जाओ पेज नंबर 18 पे ठीक है आ गए आप सभी टाइटल देखो अब कुछ बच्चे अगर लेट ज्वाइन हो गए और पूछेंगे पेज नंबर ये कॉन्सेप्ट कहां पे है तो आपने उनको हेल्प कर देना जो ऑनलाइन कनेक्टेड है तो हम पेज नंबर 18 पे है शायद देख लेना ये डायग्राम आपको उसके आसपास दिखेगी दिखा ये टाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स चलिए ये वैल्यू एडेड जो सिस्टम है थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सबसे पहले तो वैट वैल्यू एडेड टैक्स ये कोई यहां पे ऐसा स्पेसिफिक टैक्स का नाम नहीं है यह एक सिस्टम है आई रिपीट क्या यह सिस्टम है ओके ये एक सिस्टम है।, 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 है एक प्रिंसिपल है जो जनरली इंडायरेक्ट टैक्स में यूज होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में यूज होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स मे बी एक्साइज होगा मे बी वैट बी जीएसटी होगा वाटर रेट में भी एक बार फिर से एक बार फिर से वैट ये कोई स्पेसिफिक टैक्स का नाम है या एक सिस्टम है जो इंटरनेशनली यहां पे एक्सेप्ट किया गया है जिसका ऑब्जेक्ट है टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन जितना वैल्यू एडिशन करोगे उस पर ही टैक्स लगना चाहिए और ये सिस्टम जो डेवलप हुआ सबसे पहले फ्रांस में डेवलप हुआ और वो कंटिन्यू ये सोचा कि यहां पे यस कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होने चाहिए डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए और टैक्स वैल्यू एडिशन पे लगना चाहिए आई होप यू अंडरस्टूड तो ये सिस्टम आया और वो आया वैट फिर जैसे यहां पे फ्रांस ये कंट्री ने एक्सेप्ट किया अदर कंट्री को भी ये सिस्टम अच्छा लगने लगा कि हाँ यार ये सिस्टम वैट जो है ये कैस्कनिंग इफेक्ट खत्म करता है और धीरे धीरे फिर अदर कंट्री ने भी इसको यूज करना शुरू किया इंडिया में ये सिस्टम थोड़ा बहुत यूज हुआ एक्साइज में इन 1986 अंडर द नेम ऑफ सन द नेम ऑफ सेंड और फिर 2004 में कंप्लीटली ये सिस्टम एडॉप्ट किया इन सेल्स टैक्स और का नाम ही रख दिया क्या वैट जबकि सेल्स टैक्स का नाम वैट वो हमने इंडिया वालों ने रखा जबकि वैट एक सिस्टम है आई रिपीट व्हाट एक सिस्टम है ये समझ में आया क्या तो कंप्लीटली एडोप्ट हुआ टू में बहुत लेट एडोप्ट हुआ इंडिया में वैट मैकेजम ये सिस्टम का बेनिफिट क्या है वैट मैकेनिज्म बताता हूं इसको वैट कहते हैं ये सिस्टम का एक बेनिफिट है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करता है अब कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या एक ट्रांजेक्शन लेते हैं ये पेज पे आ जाना एक ट्रांजेक्शन लेते हैं समझ लो ओके शैला लिमिटेड सेल कर रहा है जीत लिमिटेड को ठीक है साथ में वर्ड मत पढ़ना ठीक है तो शैला लिमिटेड सेल कर रहा है जीत लिमिटेड को अबे ना लायक <laughs> तो एंड देन आगे कस्टमर को सेल किया जा रहा है साइलेंट प्लीज अब ये जो है एक लंबी सांस लो छोड़ो 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 हाँ अब ये जो सेल कर रहा है और हम ट्रांजेक्शन ले रहे हैं विदाउट वैट, विदाउट वैट मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट है मतलब एग्जाम्पल के तौर पर शेला लिमिटेड जीत लिमिटेड को प्राइस चार्ज कर रहा है और प्राइस चार्ज कर रहा है यहां पे ध्यान से देखिएगा वन लाख रुपीज कितना यहां वन लाख रुपीज प्राइस चार्ज कर रहा है जिसके ऊपर पुराना नाम लेते हैं सेल्स टैक्स आई रिपीट पुराना नाम लेते हैं सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स लग रहा है एट द रेट टेन परसेंट लिखो परसेंट तो कितना हुआ टेन थाउजेंड टोटल कितना हुआ प्राइस वन लैख टेन थाउजेंड अब समझ लो जीत लिमिटेड कोई क्रेडिट वेडिट नहीं कोई सेट ऑफ नहीं कुछ भी नहीं तो उसकी परचेस प्राइस हुई वन लाख टेन थाउजेंड वन लाख टेन थाउजेंड पर वो भी तो बिजनेसमैन है वो भी आगे बेच रहा है ठीक है अब वो आगे जब बेच रहा है सेम गुड्स तो जब इंडिया में वैट सिस्टम नहीं था वैट मैकेनिज्म इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था समझ में तब क्या होता था तब यहां पे जैसा ओके शला लिमिटेड ने जीत लिमिटेड को सेल किया वन लाख टेन थाउजेंड में सेल किया और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया और गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स दे दिया यहां पे कितना टेन थाउजेंड एंड बर्डन पास ऑन एक बार हमारी स्टेप ओके okay, टैक्स पे कर दिया एंड बर्डन पास ऑन वो स्टेप कुछ ऐसी दिखेगी टैक्स पे कर दिया एंड बर्डन पास ऑन ये समझ में आया क्या तो जहां तक तो है गवर्नमेंट को पे किया एंड बर्डन पास ऑन नाउ व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ जीत लिमिटेड जीत लिमिटेड की परचेस प्राइस है 1 है। वन लैख टेन थाउजेंड और इसका वैल्यू एडिशन एग्जाम्पल लो इसका वैल्यू एडिशन इसमें ओके okay, ट्वेंटी थाउजेंड होगा रिपीट कितना ट्वेंटी थाउजेंड होगा वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन में सब आ गया एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट तो बताओ आगे वो कितने में बेचेगा उसकी परचेस कितनी है वन टेन ओके आगे में कितने में बेचेगा क्योंकि वो भी बिजनेस मैन है वो भी बेच रहा है तो प्राइस वन लैख वन लैख थर्टी थाउजेंड अब उसने वापस सेल इवेंट को टच किया वापस सेल इवेंट को टच किया तो क्या लगेगा सेल्स टैक्स एट द रेट टेन परसेंट कितना थर्टीन थाउजेंड तो सेल प्राइस कितनी हुई वन लैख थर्टी थ्री वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है अब ये जो है यहां अगर आप देखते हो तो क्या ये 130 में ये 130 में क्या ये टैक्स भी इंक्लूडेड था यह yes सुनो no? और ये टैक्स इंक्लूडेड था फिर से टैक्स लगा हुआ कैश कैडिंग इफेक्ट ऐसी बड़ी चेन हमने देखी थी मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर रिटेलर टू अर्थ वहां तो हर स्टेज पे कैश कैडिंग इफेक्ट है यहां हम एक ट्रांजेक्शन देख रहे हैं बस ओके okay. तो ये कैश कैडिंग इफेक्ट देख रहे हैं अगर आप केयरफुली देखते हो ध्यान से सुनना मेरी बात और अभी आज के डिस्कशन में कुछ रह गया या कुछ समझ में नहीं आया तो कल के सेशन में हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आज अगर कोई चीज समझ में नहीं आई या समझ में आ गई पर मन नहीं मान रहा है कभी कभी क्या हो जाता है समझ में आ जाता है पर एक्सेप्ट नहीं होता है मन नहीं मानता है तो ऐसे जो भी कंडीशन में रहेंगे मुझे कल के सेशन का टाइम दे देना दे ओके आप आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा ओके आप 100% परसेंट सेटिस्फाई हो गए आई होप यू अंडरस्टूड ठीक है तो अब यहां पे अगर आप देखते हो तो जो वैल्यू पे समझ लो मोबाइल सेल हुआ तो जो मोबाइल पे गवर्नमेंट को ऑलरेडी दस हजार का टैक्स दे चुके हैं समझ ना एक लाख पे उसी एक लाख में जब वो आगे मोबाइल बढ़ रहा है तो उस एक लाख पे तो फिर से टैक्स लग ही रहा है उस एक लाख पे फिर से टैक्स तो लग ही रहा है जबकि प्रोडक्ट वही है जबकि प्रोडक्ट वही है एक लाख पे टैक्स लग ही रहा है क्योंकि जस्ट हैंड शिफ्ट हो गए तो एक लाख पे फिर से लगा रहा है प्लस उसके टैक्स पे टैक्स भी लगा रहा है नहीं समझा उसके दो चीज कि वो एक लाख पे तो टैक्स लगा ही रहे उसके टैक्स पे टैक्स भी लगा रहे मतलब एक लाख का मोबाइल दोबारा टैक्स हो रहा है एक लाख पर आई होप यू अंडरस्टूड तो ये इम्पैक्ट क्या आ रहा है कैश कैडिंग इफेक्ट और डबल टैक्स ऑन वैल्यू जबकि ये बंदे ने वैल्यू एडिशन सिर्फ ट्वेंटी किया था समझ में आया ना उस गुड्स के वैल्यू में सिर्फ ट्वेंटी एड किया था गुड्स के वैल्यू में सिर्फ ट्वेंटी एड किया था ऐसा समझ लो अब ये कैसे ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है तो आपका पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं आपने रेगुलर बैच में एडमिशन लिया सॉरी आपको रेगुलर बैच में एडमिशन लेना था yes. फेस्ट आपने पहले डिसाइड किया कि ऑनलाइन ले लेते समझ लो ऑनलाइन की फीस दस हजार और फेस टू फेस की फीस पंद्रह हजार अरे यह सुनो yes. तो पहले आपने ऑनलाइन ले लिया ऑनलाइन का दस हजार का जीएसटी पे कर दिया फिर आपका मूड हुआ कि नहीं फेस टू फेस लेते हैं आप ऑफिस में आए और आपने कहा कि मुझे फेस टू फेस में कन्वर्ट करना है तो मेरे टीम ने कहा कि ठीक है फेस टू फेस में कन्वर्ट करना है तो फीस कितनी पंद्रह हजार तो अब आपको जीएसटी टोटल पंद्रह हजार का फिर से देना पड़ेगा आपको अरे ऑलरेडी दस का तो दे दिया ना मैंने अगर मेरी ऑफिस okay, कहता है, नहीं नहीं वो दस का दिया वो अलग अब आप जो है फेस टू फेस आ रहे तो पंद्रह हजार का टैक्स देना पड़ेगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो डबल हो रहा है अरे यस और नो ये आप यही कहोगे ना डिफरेंस का ले ले भाई डिफरेंस फीस ले ले डिफरेंस का टैक्स ले ले आगा। आगा। पर नहीं नहीं मेरे साहब ने कहा नहीं टैक्स तो हुआ पोर्टल पंद्रह पे लगेगा तो दुख तो होगा ना ऐसे ही समझ लो मोबाइल वो ही समझ में आया क्या मोबाइल वो एक लाख का टैक्स दे दिया गवर्नमेंट ने ले लिया यहां से वैल्यू एडिशन ट्वेंटी हुआ हैंड शिफ्ट हुए जिस वैल्यू एडिशन ट्वेंटी होने के बाद वापस एक लाख पे टैक्स लगा प्लस वो ट्वेंटी पे भी लगा वो ट्वेंटी पे लगा उसका दुख नहीं है क्योंकि वो वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हुई थी अरे है ना आपको भी अगर दस से पंद्रह में पांच हजार का लगा आपको दुख नहीं होगा पर फिर से पंद्रह हजार का लगेगा क्लास वही फेस टू फेस देखे या ऑनलाइन देखे वर्ष तो वही सुने आ रहे अरे है ना अरे समझा नहीं समझा yes, तो इन सिंपल वर्ड आपको दुख तो होगा yes, तो इंडस्ट्री को बोल रहा था कि ये क्या है यार ये तो टैक्स की लूट मची है वो देखो उधर फ्रांस जर्मनी वो कैसे वैट मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं yes, और हम इंडिया में yes, समझ में आ है क्या yes, ये मैकेनिज्म ला ही नहीं रहे अच्छा गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही थी क्योंकि गवर्नमेंट को देखो पहले वाले से कितना पैसा मिला दस हजार <laughs> और ये भी गवर्नमेंट को कितना दे रहा है थर्टीन <laughs> थाउजेंड तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू आ रहा है अरे <laughs> सर <येस और> <laughs> तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आ रहा है तो गवर्नमेंट भी वैट मैकेनिज्म नहीं ला रही है इंडिया में इंडस्ट्री का यह कहना था कि भाई साहब अगर कंट्री की ग्रोथ करना है तो टैक्स की लूट मचा के नहीं करना है आप अपना रिसोर्सेस बढ़ाओ एक्सपोर्ट बढ़ाओ अपने ही लोगों को लूट के नहीं करना है ये तो लूट मचिए। अरे समझाया नहीं समझा तो जहां तक देखा जाए ये कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होने चाहिए आप लूट दो बार लूट रहे हो वो एक लाख वही मोबाइल सिर्फ हैंड शिफ्ट हुआ उसी एक लाख पे फिर से टैक्स ले रहे हो और उसके टैक्स पे भी टैक्स ले रहे हो अरे समझाया नहीं समझा तो ना ये गलत है भाई ये रिजनेबल लगता है कि इसने कितना ये इस हैंड ने कितना वैल्यू एडिशन किया है ट्वेंटी तो इस बंदे पे एक्स्ट्रा का टैक्स लगना चाहिए भाई साहब ये समझा नहीं समझा तो इंडिया में आखिरी में लाया गया ये मैकेनिज्म 2004 में पूरा इंप्लीमेंट हुआ एक्साइज में आ चुका था पर सेल्स टैक्स में भी लाया गया और सेल्स टैक्स का नाम ही रख दिया क्या वैट जबकि वैट मैकेनिज्म है तो अब ये मैकेनिज्म में क्या हुआ तो ये मैकेनिज्म में आपको मैं बता दूं यहां पे हाँ ये मैकेनिज्म में क्या हुआ अब यही ट्रांजेक्शन विथ वैट लेते हैं आई रिपीट यही ट्रांजेक्शन विथ वैट लेते हैं नीचे आ जाओ जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है तो यस yes, टाइप करो फटाफट अच्छे दिन आ गए बिल्कुल अच्छे दिन और ये 2004 में आ गए थे ठीक है तो जहां तक है अब यही एग्जाम्पल लेते सेम वैल्यू शेला लिमिटेड सेल कर रहा है किसको सेल कर रहा है धी धी क्या प्राइस हमने क्या प्राईस? सेम एग्जैक्टली सेम वन लैक ठीक है उसके ऊपर अब हम नाम सेल्स टैक्स नहीं हम नाम लेते हैं वैट उसके ऊपर क्योंकि नाम बदल गया अरे यस और नो तो सेल्स टैक्स का नाम क्या रख दिया उन्होंने वैट वैट एट द रेट क्या टेन परसेंट कितना आएगा टेन थाउजेंड ठीक है और इसका वैल्यू एडिशन कितना ट्वेंटी थाउज वैल्यू एडिशन कितना ट्वेंटी थाउज अब देखो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया ये वैट मैकेनिज्म ये कहता है ये मैकेनिज्म है हमारी गवर्नमेंट ने पूरे कंट्रीज में जो भी वैट इंप्लीमेंट करती है सब में यही मैकेनिज्म चलता है यस और नो ओके तो ये मैकेनिज्म में क्या होता है ये मैकेनिज्म कहता है कि आपने जो परचेसेस पे आई रिपीट द वर्ड क्या परचेसेस पे जो टैक्स दिया वो टैक्स का आपको सेट ऑफ मिलेगा वो टैक्स का आपको सेट ऑफ मिलेगा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स अगेंस्ट क्या कहा मैंने आउटपुट टैक्स yeah. तो आपको सेट ऑफ मिलेगा इसलिए यहां पे जो है आपकी परचेसेस 110 की नहीं मानी जाएगी पहले रूल फिक्स करो पहले रूल फिक्स करो एक मिनट जो परचेसेस पे टैक्स दिया उसका क्या मिलेगा आपको सेट ऑफ आपके डाउट्स क्वेश्चन सब बाद में इन बिटवीन मत पूछना और डाउट्स आते हैं तो लिख के रख दो मैं सबके डाउट्स एंटरटेन करूंगा पर थोड़ा रुक जाओ तो आपके परचेसेस पे जो आपने टैक्स दिया मैकेनिज्म कहता है उस टैक्स का आपको क्या मिलने वाला है सेट ऑफ सेट ऑफ को नाम दिया गया क्रेडिट सेट ऑफ को नाम दिया गया क्रेडिट समझ में आया क्या तो उस अब मैं वर्ड यूज करूंगा क्रेडिट तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा इसलिए आपकी जो परचेस रिकॉर्ड होगी वो परचेस वन टेन से रिकॉर्ड नहीं होगी कितने से रिकॉर्ड होगी वन लाख तो अब आपकी परचेस कितने से रिकॉर्ड होगी वन लाख से इज इट क्लियर अब वन लाख अगर मेरी परचेस रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें वैल्यू एडिशन कितना कर रहा हो वन ट्वेंटी अरे है ना वन ट्वेंटी एड कर रहा हूं तो वन ट्वेंटी तो अब मेरी सेल प्राइस कितनी रहेगी तो अब मेरी प्राइस जो रहेगी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो वन लैख अब इसको कहा गया आउटपुट आई रिपीट इसको कहा गया आउटपुट तो अब कुछ वर्ड डेवलप करते हैं जो आप परचेस करते हो उसको नाम दिया गया इनपुट ट्रांजेक्शन उसको नाम दिया गया इनपुट ट्रांजेक्शन और जो आप सप्लाई करते हो सेल करते हो उसको नाम दिया गया आउटपुट ट्रांजेक्शन यहां तक क्लियर हुआ ये तो सिंपल है ना इसमें कोई समझने लायक ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है अरे समझ में आया क्या तो ये इनपुट और ये आउटपुट अब जो आप सेल कर रहे हो उस पर भी टैक्स लगाओ उस उसपे टैक्स क्या लगेगा वह टेन परसेंट कितना हुआ ट्वेल्व थाउजेंड ओके ट्वेल्व थाउजेंड टैक्स लगेगा आप टैक्स इनवाइस बनाओ कम ऑन मैंने क्या वर्ड यूज किया टैक्स इनवाइज इसका भी टैक्स इनवाइज बनाएगा पूरी डिटेल्स आएगी इमेजिन करो टैक्स इनवाइस अरे आया ना ये आपका परचेस का टैक्स इनवाइस और ये आपका सेल्स का टैक्स इन ये समझा नहीं समझा और ये जो आपका आउटपुट टैक्स आया आई रिपीट वर्ड क्या आउट टैक्स कितना आउटपुट टैक्स ट्वेल्व थाउजेंड तो ये अब सुनो अब ये मत लिखना ये मत लिखना ये आपका जो आउटपुट टैक्स आया कितना आउटपुट टैक्स आया ट्वेल्व थाउजेंड लेस आप सेट ऑफ ले लो सेट ऑफ ले लो सेट ऑफ ले लो मतलब क्रेडिट क्रेडिट ले लो कितना है क्रेडिट आपके पास दस हजार परचेस का क्रेडिट दस हजार है तो लेस और इसको नाम दिया गया इनपुट टैक्स इसको नाम दिया गया इनपुट टैक्स तो वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लो समझ में आया और एक नया वर्ड डेवलप हुआ आई इनपुट टैक्स क्रेडिट एक मिनट एक मिनट पहले लेमैन वर्ड आपने जो परचेस किया उसका सेट ऑफ लो टैक्स का सेट ऑफ लो तो जो परचेस किया उसको नाम दिया गया इनपुट ओके इनपुट पे लगा हुआ टैक्स इनपुट टैक्स इनपुट पे लगा हुआ टैक्स इनपुट टैक्स और उसका आप सेट ऑफ ले लो मतलब क्रेडिट ले लो क्रेडिट किसके अगेंस्ट में आउटपुट में ओके okay, तो कितना आपका क्रेडिट आया आई आईटीसी वर्ड कहां से आया समझ आया इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इट क्लियर तो कितना है आईटीसी आपका दस हजार दस हजार ले लिया तो कितना आया आपका नेट हाँ, और जो क्रेडिट लेने के बाद जो नेट आएगा क्रेडिट लेने के बाद जो नेट आएगा तो नेट टैक्स कितना बस ये बंदा जीत लिमिटेड गवर्नमेंट को दो हजार ही देगा ओके okay, समझाया नहीं समझा तो ये वैट जो देगा गवर्नमेंट को रुपीस कितना टू थाउजेंड और ये बंदा कितना देगा रुपीस रुपीस कितना टेन थाउजेंड 10000 टेन थाउजेंड 10, तो ये बंदा गवर्नमेंट को नेट ही देगा सेट ऑफ के बाद आई होप यू अंडरस्टूड ओके पहले स्टेप दिमाग में फिट करते सबसे पहले स्टेप स्टेप बाय चलते आपके परचेसेस को क्या बोला गया इनपुट आपके परचेसेस पे जो टैक्स लग के आएगा उसका आपको सेट ऑफ मिलेगा उसका आपको सेट ऑफ मिलेगा ठीक है किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ मिलेगा आपके आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट पहले स्टेप फिक्स करो लॉजिक वॉजिक सब बाद में लॉजिक तो ऐसे भी समझ गया आपको टू अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट समझ में आया क्या तो वैट मैकेनिज्म की स्टेप क्या है जो आपने परचेस किया उसका आपको पहले से समझ लो जिस दिन भी आपके कंट्री में ये मैकेनिज्म आ गया उस दिन से ही रूल रूल लग लग जाएगा जाएगा क्या कि जो भी आप परचेस करोगे वो परचेस के टैक्स का आपको क्या मिलेगा क्रेडिट सेट ऑफ इसलिए आपकी परचेसेस वन टेन से रिकॉर्ड होगी या सिर्फ वन लाख से रिकॉर्ड होगी ये मत लिखना फिलहाल समझ में आया क्या ये कैसे लिखना मैं बाद में बताऊगा तो वन लाख से रिकॉर्ड होगी तो अगर आपकी परचेस वन लाख से रिकॉर्ड होगी तो वन लाख प्लस वैल्यू एडिशन कितना ट्वेंटी थाउजेंड तो कितना हुआ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यह समझा नहीं समझा फिर जो आपका सेल हुआ उस पर टोटल टैक्स निकालो जो सेल हुआ उस पर टोटल टैक्स अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहा कि नहीं सर हम सेल हुआ तो ये ट्वेंटी का ही निकाल नहीं ट्वेंटी का नहीं टोटल टैक्स निकालो समझ में आया तो सेल हुआ उसका टोटल टैक्स कितना आया ट्वेल्व और उस टोटल टैक्स में जो आपने परचेसेस भी दिया उसका सेट ऑफ ले लो कितना सेट ऑफ मतलब लेस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो कितना बचा बस इतना ही गवर्नमेंट को दो बस इतना ही गवर्नमेंट को दो ये समझ में आया क्या तो इसमें मैकेनिज्म इतना बढ़िया है मुझे ये बताओ हमारा रेट क्या चालू था परसेंट और ये बंदे ने वैल्यू एडिशन कितना किया था ट्वेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट कितना होता है देखो उतना ही दे रहा है ये कहा जाता है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन नहीं समझा क्या आपने तो कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि फिर सर ट्वेंटी का ही 10 क्यों नहीं दे देते दे डायरेक्ट इतना घुमाया अरे आया ना भाई ये इतना घुमाया हमको सर इससे तो बेटर था ट्वेंटी का टेन परसेंट नहीं, नहीं नहीं वो पहले आपसे इन्वाइस बना है क्योंकि इन्वाइस बनता है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है कस्टमर को पता चलता है तो यस और नो तो उन्होंने डायरेक्ट ट्वेंटी का टेन परसेंट नहीं कहा उन्होंने कहा कि आप पूरा टैक्स निकालोगे वो टैक्स में सेट ऑफ से लोगे जो बचेगा वो उतना ही बचेगा कितना बचेगा टैक्स ऑन वैल्यू एड आई होप यू अंडरस्टैंड। बस दो मिनट कंट्रोल कर लंबी सांस ले फिर मैं संभालता हूं ठीक है हाँ बेटा नींद आने के तरीके होते हैं। ठीक है कैसे आइडेंटिफाई करना कि नींद आ रही है अगर हम ऐसे बैठ गए समझ लेना कि हम स्टार्ट हो गए या ऐसे बैठ गए या फिर तुम क्या करते हो ऐसे सो जाते हो क्यों सोते हो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि सर कौन से स्मार्ट दिख रहे ठीक <laughs> है सर कौन से कान सुन रहे हैं आप भरोसा कान पे करते हो आंखों की क्या जरूरत है कुछ देर बाद कान ये सोचता है मैं अकेले च क्यों समझ, आ, समझ क्या मैं अकेले क्यों तो फिर आप जाते हो गहरी निद्रा में और अब यहां पे अगर कोई सोते हुए दिखा तो वो सॉन्ग आएगा यहां पे आके आ, मुझे नींद न आए मुझे छा आए एक पुराना सॉन्ग था याद है क्या तेरे को हाँ बोलो बोलो क्या हाँ चलो अब बात निकली तो हर भरे के झाड़ पे आ, एक सौ का सॉन्ग हाँ क्या था एक हम एग्ज़ाम हो गई थी ट्वेल्थ की फ्रेंड्स लोग बैठे थे तब ऐसा व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं ऐसे घूमने जाते थे ब्रिज पे बैठ गए हम सब लोग रात के कुछ ग्यारह बज गए थे अरे और तब हमारे हाथ में वो हरा हर भरा था हरा भरा ग्रीन चना होता है ना हरा भरा वो हाथ में था टाइम पास कर रहे तो मैंने एक सॉन्ग बनाया तब ऐसा था कि हम सॉन्ग बना लेते थे ओके okay, तो यहाँ एक सॉन्ग बनाया बड़ा टाइम पास सॉन्ग है पहले ही कह रहा हूं पहले से ही टाइम पास अज्यूम करना ठीक है और जब इन बिटवीन ओके okay, मैं ऐसा करूं तो वाह वाह करना है आपको सबको क्लास में और जो ऑनलाइन बैठे उनको भी क्या वाह वाह आ, 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 आ। hmm. हर वर के झाड़ पे हर वर का दाना आ, हर वर के झाड़ पे हर वर का दाना दिल में चाहते है सिर्फ तुमको ही पाना बोलो हर वर के झाड़ पे हर वर का दाना हर भर के झाड़ पे हर भरे का दाना दिल में जाते हैं सिर्फ तुमको ही पाना बोलो हर भर के झाड़ पे हर भरे का दाना इसके आगे सुनो इसके आगे सुनो बात अगर वहां तक पहुँच जाए तो दाँ दीजिएगा साथ में खाएंगे हम दोनों खाना हाँ साथ में खाएंगे हम दोनों खाना, खाना। मैं तुझे खिलाऊंगा तू मुझे खिलाना बोलो हर भर के झाड़ पे हर भरे का दरा हर भरे के झाड़ पे हर भरे का दरा आगे सूर्य शादी के बाद टांग 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 शादी के बाद मेरे घर पे तू आना उसके पहले नहीं बेटा हाँ ठीक <laughs> है शादी के बाद मेरे घर पे तू आना तेरे हाथों से मेरे घर को सजाना बोलो हर भरे के जाड़ पे हर भरे का दाना हर भरे के जाड़ पे हर भरे का दाना ओके सो थैंक यू थैंक यू सो मच सो so, अब क्या होता है आपके लिए नया सॉन्ग है कोई ये निकाल की रील डाल देता है पुराना स्टूडेंट सोचता है अरे हर बैच में यही चलता है ठीक <laughs> है चलो नाउ कंट्रोल कंट्रोल <laughs> लंबी सांस लो छोड़ो धीरे धीरे छोड़ो कंट्रोल इधर कोई नहीं है अतर वो थोड़ा वक्त कंट्रोल में ना कंट्रोल हाँ वापस आ जाओ और अभी तक कोई मोबाइल नहीं मिला क्या तुमको हाँ तुम दोनों कोई मोबाइल नहीं मिला इतना इतने ऑनेस बच्चे तो नहीं हो सकते हाँ? देखो कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव तब हो सकता है जब उनके ऑफिसर इफेक्टिव हो अब अगर ऑफिसर ही इन्वॉल्व हो तो सिस्टम ही इफेक्टिव नहीं हो सकता था या वापस आते हैं आईटीसी नहीं बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम इतना लॉ पढ़ते हैं पर बहुत लोगों को जब देखते हैं कि वो लॉ फॉलो नहीं करते वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं ओके हम इतना पढ़ते कैपिटल गेन अर्बन एरिया रूरल एरिया ये वो जीएसटी आप इतना पढ़ाते हो पर ये सर समझ में नहीं आता कि बहुत से लोगों को हम देखते हैं ट्रैक छुराते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता अगर गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर इफेक्टिव है तो भाई कोई भी छूट नहीं सकता पर अगर ऑफिसर ही <laughs> समझ में आ रहा है इन्वॉल्व है <laughs> चलो ओके okay. जो के जो के इनको ये एग्जाम्पल से सिस्टम समझा रहा हूं ठीक है चलो टर्न टू ओवर डिस्कशन आईटीसी इनपुट टैक्स रेटेड तो ये वैट मैकेनिज्म का रूल है ये वैट मैकेनिज्म का रूल है कि आपको सेट ऑफ आप दे दिया जाएगा पर तरीका यही रहेगा कि आपके इन्वाइस बनेंगे टैक्स इनवॉइस बनेंगे पूरी डिटेल्स दी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई दिया जाएगा डिसाइड होगा वो इंट्रा है इंटर है समझ में आया क्या आपका पूरा टैक्स निकाला जाएगा और उस टैक्स में से आपको सेट ऑफ आप दिया जाएगा नेट उतना ही आएगा जितना आपका वैल्यू एडिशन का टैक्स है। समझ में आया दूसरा एक बात बताता हूं दूसरी एक बात यहां पे ये यह होगी कि यहां जो है पहले ये कस्टमर को प्राइस बिना वैट के 143 फोर्टी पड़ रहा था बिना वैट के कितना पड़ रहा है 143 अब बताओ बिना वैट के कितना पड़ रहा है 132 थर्टी पड़ रहा है प्राइस कम हो गई कितने इसका डिफरेंस है 11000 का डिफरेंस है क्यों ये 11000 का डिफरेंस आया द प्राइस डिफरेंस बिटवीन जीत लिमिटेड एंड कस्टमर आफ्टर कंसिंग द ट्रांजेक्शन विथ क्या वैट विथ वैट अगर ट्रांजेक्शन लेते हो तो प्राइस डिफरेंस कितना है इलेवन थाउजेंड यह इलेवन थाउजेंड कैसे आया तो टेन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड सही है क्या ये टेन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड कैसे आया कि जो एक लाख वापस से टैक्स हो रहा था जो एक लाख वापस से टैक्स हो रहा था उसका टेन थाउजेंड प्लस उसके टैक्स का टैक्स उसके टैक्स मतलब टेन थाउजेंड का टेन परसेंट तो ये अब लग नहीं रहा है क्योंकि अब जो टैक्स लग रहा है ऑनली ऑन वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन तो ऐसे केस में बेटा अब जो टैक्स है ऑनली ऑन वैल्यू एडिशन जैसी वैट मैकेनिज्म आया इंडस्ट्री बहुत खुश हो गई क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइजे सडनली फॉल डाउन और इमेजिन करो यहां तो मैंने सिर्फ एक ही बार लिया अगर तुम चेन देखते हो इमेजिन द चेन होलसेलर टू तो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर टू तो होल होलसेलर टू तो रिटेलर सॉरी सॉरी मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर होलसेलर टू तो भाई साहब सभी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स दे रहे प्राइजेस सडनली फॉल डाउन ये समझ में आया क्या प्राइजेस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है ये इकोनॉमिक्स का रूल है और अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो फिर से डिमांड बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं है? तो भाई साहब ये जो है इस तरह से फायदा हुआ वैट का वैट के बहुत सारे फायदे जिसमें का पहला फायदा रिडक्शन इन द प्राइज ठीक है।, है अब आपका एक सवाल होगा इसमें ये आवाज कुछ आवाज आ रही है क्या आपका बेटा हाँ एक मिनट एक मिनट ये कॉन्सेप्ट आ जाना अब सीरियस हो जाना कोई कमेंट नहीं अभी अभी बेटा ऐसे कमेंट मत करो करो आधी म्यूजिक इंडस्ट्री का करियर भी खा गए ओके <laughs> okay, <laughs> <laughs> तो यहां पे वैट का ये फायदा हुआ लेकिन इसमें आपको अगर ऐसा लग, लगता है कि सर गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ ना सर गवर्नमेंट यहां पे दस हजार इससे लेती थी थर्टीन थाउजेंड इससे ले रही है टोटल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का गवर्नमेंट का रेवेन्यू है अरे ये सर नो और अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है टेन प्लस टू ये तो ही दे रहा है तो टेन प्लस टू तो गवर्नमेंट का तो अब ट्वेल्व ही है तो सर पहले ट्वेंटी थ्री का रेवेन्यू था अब ट्वेल्व का रेवेन्यू गवर्नमेंट ने तो अपना रेवेन्यू बहुत सेक्रीफाई कर दिया ये मैकेनिज्म में यस बेटा अगर माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो बहुत सैक्रीफाई हुआ है पर यूनिट पर मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाई वैट की वजह से सर मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ा क्यों क्योंकि प्राइजेस कम हुई प्रोडक्शन बढ़ा अरे है ना डिमांड बढ़ी और जितना प्रोडक्शन होगा उतना टैक्स कलेक्शन होगा एक रीजन था और वैट आने के बाद कोई गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हुआ और वही वही हम जीएसटी में समझा रहे थे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर समझ लो ओके जीएसटी आने के बाद कोई किसी को नुकसान नहीं होगा और अगर होगा तो हम जीएसटी से जीएसटी कंपेन्सेशन से एक्ट पर मैं आपको एश्योर करता हूं कि सब मान जाओ जीएसटी के लिए हमें पूरे इंडिया में एक ही लॉ रखना है कौन सा जीएसटी समझ में आया क्या और इससे आपको भी लॉस नहीं होगा नाला है इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलने वाला है फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में आएगी इंडस्ट्री के प्राइजेस कम हो गए और मैक्रो लेवल पे हमारा बेनिफिट ही होगा समझ में और जब भी इंडिया में वैट आया 86 में एक्साइज में आया इन द नेम ऑफ सैन वैट ओके सेल्स टैक्स में इन द नेम ऑफ वैट फायदा ही हुआ नुकसान हुआ ही नहीं और दूसरी बात क्या होता है वैट आने की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है अब देखो पहले ये बंदे ये बंदे को थर्टीन थाउजेंड टैक्स आ रहा था और इसको गवर्नमेंट को भी थर्टीन थाउजेंड पे करना होता था तो इसको टैक्स चुराने में मजा भी आता था विद बिल विदाउट बिल अरे है ना और ये चेन पहले से मैनेज करते थे तू भी मत दे ब्लैक का स्टॉक मेरे पास रख एक मिनट क्या ब्लैक का स्टॉक ब्लैक मतलब ऐसा ब्लैक नहीं होता है मतलब ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया तू तो भी मत दे हम पूरी ब्लैक की चेन मैनेज करते हैं तू भी मत दे मेरे को दे दस हजार वहां बज गए और मेरे थर्टीन बज गए समझ में आया क्या टोटल ट्वेंटी थ्री चल तू दे रहा होगा तो मैं तो अपने थर्टीन बचाऊंगा समझ में आया तो तब लोगों को टैक्स बचाने में मजा भी आता था और रिस्क उठाते थे लेकिन अब यहां पे जीत को दो हजार ही देना पड़ रहा है अरे समझाने तो जीत को अगर टू थाउजेंड देना पड़ रहा है तो वो टैक्स इवेजन में इंटरेस्टेड नहीं है थर्टीन बचाने में मजा आता है टू थाउजेंड बचाने में कोई मजा नहीं है सर ये थर्टीन टू अमाउंट करोड़ ले लो थर्टीन करोड़ टू करोड़ इतने ट्रांजेक्शन है तो अब ये जीत अगर रेडी नहीं है वो बोलेगा कि नहीं मैं तो इनवाइस दूंगा तो भाई साहब अगर इसको इनवाइस देना है तो इसको परचेस भी इनवाइस में करना पड़ेगा तो स्टॉक मैच होगा तो अब ये उस बंदे से परचेस नहीं करेगा जो ब्लैक का गुड्स बेच रहा है क्योंकि इसको क्रेडिट नहीं मिलेंगे इसको अगर क्रेडिट चाहिए तो उस बंदे से परचेस करना पड़ेगा जो टैक्स इनवाइस दे रहा है तो अगर ये उस बंदे से परचेस कर रहा है जो टैक्स इनवाइस दे रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांजैक्शन भी लीगल हो गया ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई हर स्टेज लीगलिटी में आ गई आपको एक सर्वे बताता हूं यह सर्वे था 1996 का इंडियन मार्केट में जो गुड्स आ रहे थे डंप हो रहे थे, उसके 60% परसेंट गुड्स पे टैक्स नहीं पे हो रहा था ब्लैक मार्केटिंग में आ रहा था इतनी जबरदस्त चेन मैनेज हो रही थी ब्लैक मार्केटिंग की और ऐसे गुड्स जो 60% परसेंट टैक्स इवेजन में आ रहे ओके जब इन्वेस्टिगेशन हुए सर्वे हुए और किसी की होलसेल शॉप में गए और देखा तो पता चला जितना स्टॉक इसके पास है उसमें का 60 परसेंट ब्लैक है और 40 परसेंट सी रिकॉर्ड वाला है समझ में आया क्या इतनी जबरदस्त चेन मैनेज हो रही थी अच्छा गवर्नमेंट कितना भी कर ले कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही थी क्योंकि भाई साहब अब इसने जो टैक्स इवेजन किया है उसने इकोनॉमिकल लॉ का ऑफेंस किया है कोई उसने क्राइम नहीं किया है उसको फांसी की सजा तो दे नहीं सकते अरे है ना इकोनॉमिकल गड़बड़ की फांसी की सजा तो दे नहीं सकते उसको अंदर तो डाल नहीं सकते तब इडी वीडी थोड़ी था <laughs> ओके तो यहां पे तो इसको फांसी की सजा तो नहीं दे सकते हाँ तब ओके ऐसा था कि मैं, मैं अच्छा था मुझे टैक्स इवेजन के लिए मजा आता था कभी वो मार्केटिंग वाला एड देखा तुमने टैक्स इवेजन के लिए मजा आता था Okay, मुझे मेरे अगेंस्ट में कई एक्शन हुआ तो ज्यादा ज्यादा पेनल्टी लगती थी मुझे जेल के अंदर नहीं डाला जाता था लेकिन फिर बाद में ईडी आया अरे आया ना <laughs> तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए साइलेंट प्लेस ओके okay, तो यहां पे ये बंदे इतने रिक्स उठा देते कि इमेजिन करो पकड़े गए तो पेनल्टी दे देंगे उसमें भी मैनेज कर लेंगे समझ में ये सर्वे में ये पता चला कि यार ये डबल टैक्सेशन के चक्कर में 60 परसेंट ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और 40 परसेंट सिर्फ रिकॉर्ड में आ रहा है और ये ब्लैक मार्केटिंग कितना भी कोशिश कर लो हम नहीं पकड़ पा, पा रहे क्योंकि हमारे ऑफिसर ही इन्वॉल्व है समझ में आ रहा है टी ब्रेकफास्ट <laughs> चाय पान समझ में तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा और नो डाउट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है।, है और गए समझ में आया क्या तो उन्होंने ये रोल प्ले किया कि नहीं हम सिस्टम ही ऐसा लाए कि ऑटो कंट्रोल हो रैदर देन पनिशमेंट और फिर उन्होंने हर कंट्री के बैठ का मैकेनिज्म रीड किया पढ़ाई की स्टडी किया कमेटी बैठाई और इंडिया में फिर लाया क्या वैट इससे कुछ स्टेट डर गए कि वैट आएगा तो हमारा तो रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा पहले हम ट्वेंटी थ्री कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू तो तो कम हो रहा है तो जो सिक्सटी परसेंट की ब्लैक मार्केटिंग है वो लीगलाइज होगी उसका रेवेन्यू आएगा अरे है ना प्लस प्रोडक्ट प्राइजेस कम होगी डिमांड बढ़ेगी और रियली कहता हूं 2004 के बाद यही बेनिफिट्स मिले ये विद बिल विदाउट बिल के मैक्सिमम काउंटर खत्म हुए क्योंकि सबको क्रेडिट चाहिए आई होप यू अंडरस्टूड समझा और ये आई दोस्तों यहां पे जस्ट ट्रांजेक्शन विद वैट इसमें किसी को कोई डाउट सबको क्लियर वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक एवरीथिंग इज क्लियर देन चलिए अगर आपका कोई इसमें अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन भी होगा तो थोड़ा रुक जाना कल हम जो एग्जांपल्स लेंगे उसमें और क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी अब इसका मैं जर्नल एंट्रीज लू ओके ध्यान से सुनिएगा अगर यहां पे मैं जर्नल एंट्री सॉरी ये आप आपने विथ वैट में लिखा गया ये थ वैट में लिखा आपने चलो एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूं आप सभी को एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूं अब देखो यह मैकेनिज्म जो VAT का है इसमें एंटायर बर्डन कंज्यूमर पे कैसे जाता है ठीक है जीत लिमिटेड पर फोकस करो सभी कोई टाइम पास नहीं करेगा जीत लिमिटेड पर फोकस करो जीत लिमिटेड ने परचेस करते वक्त सप्लायर को कितना पेमेंट किया एज अ टैक्स उसने पेमेंट किया टेन थाउजेंड हाँ, वो उसको क्रेडिट मिलेगा पर पेमेंट तो करना पड़ेगा ना भाई ना। क्योंकि उसका बिल आया हुआ है टैक्स इन अरे यस और नो तो वो पेमेंट करेगा बाद में उसको सेट मिल जाएगा तो मुझे बताओ एज उसने ऑलरेडी कैश आउटफ्लो कितना हो गया टेन यस और नो और वो सेट लेने के बाद टू थाउजेंड एक्स्ट्रा दिया गवर्नमेंट को यस और नो तो कितना हुआ ट्वेल्व इन में ट्वेल्व बर्डन पास ऑन नहीं समझा मुझे बताओ एज अ टैक्स उसने कितना दिया परचेस का टेन परचेज का टेन और सेट लेने के बाद टू कितना हुआ ट्वेल्व दिस एंटायर बर्डन पास होगा ट्वेल्थ हाउस वो बर्डन खुद ले ही नहीं रहा है उसका बिल में देखो टैक्स कितना दिख रहा है ट्वेल्व कस्टमर से आ जाएगा आई होप यू अंडरस कस्टमर से आ जाएगा इसीलिए हम ये मैकेनिज्म यूज करते हैं कि आप टैक्स इनवाइज बनाओ पूरा टैक्स कैलकुलेट करो क्योंकि वो पास ऑन करना है पूरा टैक्स कैलकुलेट करो और बाद में आप सेट ऑफ लो सो so दैट आपका बर्डन भी पास ऑन हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड तो ये था ओके वैट मैकेनिज्म थोड़ा और डेप्थ में जाते आपके नॉलेज के लिए मुझे ये बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी जीत लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री क्या होगी परचेस और सेल की बोलो ये अब बात निकली है तो वो भी देख लेते हैं यहां पे हाँ जीत लिमिटेड के अकाउंट्स में तो जीत लिमिटेड के अकाउंट्स में जन परचेस अकाउंट डेबिट परचेस वेट 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 परचेस अकाउंट डेबिट आपको लेजर इमेजिन करते आते लेजर बनाने की जरूरत नहीं ना इमेजिन कर लोगे परचेस अकाउंट डेबिट कितने से परचेस डेबिट होगा नहीं वन लैख से परचेस अकाउंट डेबिट वन लैख से ही होगा समझ में आया क्या तो परचेस अकाउंट डेबिट वन लैख हां वैट क्रेडिट रिसीवेबल आई रिपीट क्या या आई टी सी रिसीवेबल या आई टी सी रिसीवल तो मुझे बताओ आई टी सी रिसिवेबल कितना डेबिट टेन थाउजेंड ये समझा क्या आ, तो ये दस हजार आपके परचेस में नहीं बोले जाते ये दस हजार आपके आईटीसी रिसीवेबल बोले जाते ये समझ में आया क्या आईटीसी रिसीवेबल टू टू सप्लायर अरे है ना टू शैला टू शैला लिमिटेड कितना वन लैख टेन थाउजेंड ये हमारी परचेस की एंट्री हुई चलो सेल्स की एंट्री बताओ सेल्स की एंट्री बताओ कस्टमर अकाउंट डेबिट टोटल कितना लेना है टोटल कितना लेना है वन लैख थर्टी टू तो कस्टमर अकाउंट डेबिट वन लैख थर्टी टू थाउजेंड ठीक है टू सेल्स सेल्स कितने से रिकॉर्ड होगी वन ट्वेंटी से ओनली टू सेल्स कितने से होगी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड समझा नहीं समझा टू टू वैट पेबल अरे आई टी से क्रेडिट थोड़ी मिल रहा है पेबल है वो अच्छा ये ये ट्वेल्व थाउजेंड ये आपका इनपुट है या आउटपुट है ये आपको देना है अरे ये और नो तो टू क्या वैट पेबल कितना ट्वेल्व थाउजेंड एंट्री सबके समझ में आई जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड अगर एंट्री समझ में आया होगा तो फटाफट फट वन टाइप करो ओके okay, एंट्री समझ में आया होगा तो फटाफट ओके वन टाइप करो ये समझा है नहीं समझा ओके okay, अभी अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है पहले समझना है अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है अब आपका जो है यहां पे ये बनेगा स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स आपका बनेगा स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स ये समझ में आया क्या अब भाई साहब इसकी एंट्री क्या होगी तो मुझे बताओ वैट पेबल आपका इतना देना है अरे है ना आ, तो वैट पेबल का लेजर इमेजिन करो ये क्रेडिट हुआ मतलब आपकी ये लाइबिलिटी है ये क्रेडिट हुआ मतलब ये आपकी लाइफ तो वैट पेबल अकाउंट के साइड में क्रेडिट दिखेगा इतना देना है किसको गवर्नमेंट को और ये डेबिट हुआ रिसीवेबल मतलब आपकी रिसिवेबल है एडजस्टमेंट्स है अरे आया ना तो अब इसमें एडजस्टमेंट क्या होगी अब एडजस्टमेंट इसकी एंट्री होगी वैट पेबल अकाउंट डेबिट अब गवर्नमेंट को मैं पैसा दे रहा हूं कितना डेबिट करना पड़ेगा मुझे ट्वेल्थ हाउस पर पूरा देना पड़ेगा या लेस लेस आईटीसी तो इसका मतलब वैट पेबल अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ डेबिट हुआ टू आईटीसी रिसीवेबल सी रिसिवेबल समझाए ना टू क्या आईटीसी रिसीवेबल कितने पास मेरे पास रिसीवेबल है टेन थाउजेंड और अब जो बचा वो कैश और बैंक यस yes no? okay, तो और नो ओके तो टू कैश और बैंक कितना टू थाउजेंड एंट्री समझिए आपको और इतना मैं गवर्नमेंट को पे कर दू तो अब एक चीज बहुत मैच्योर लेवल पे समझा रहा हूं आपको आप जो क्रेडिट ले रहे हो ये डीम पेमेंट माना जाता है एक मिनट जोर से बोलो जोर से बोलो डीम मतलब माना जाता आप जो क्रेडिट ले रहे हो क्योंकि आपको देना कितना है ट्वेल्व ट्वेल्व कैसे दे रहे हो आप ऑलरेडी दस दे चुके हो ये ट्वेल्व कैसे दे रहे हो आप ऑलरेडी किसको दे चुके हो दस नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे मैंने सप्लायर को दिया सप्लायर ने गवर्नमेंट को दे दिया ये समझाया नहीं समझा तो ये जो क्रेडिट लेना मतलब वो आप ऑलरेडी दे चुके हो वो डीम पेमेंट माना जाता है वो लेस होने के बाद वो लेस होने के बाद जो बचा एक बार फिर से ओके कस्टमर अकाउंट डेबिट चलो एक काम करो लिखो लिखते वक्त और समझेगा आपको ये लिख लो पहले। चलो ये लिखो लिखते वक्त आपको ही समझ जाएगा इट फास्ट ये लिखना है पूरा सेकंड वाले ट्रांजैक्शन विद वैट में हम जीएसटी पढ़ रहे हैं या वैट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं <laughs> वैट अच्छा वैट कोई टैक्स है या ये मैकेनिज्म है <laughs> ये मैकेनिज्म है जो कहता है कि कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स में कम ऑन क्या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स में आप ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हो ठीक है डन अरे भाई साहब कहाँ सोया था आईटीसी का फुल फॉर्म कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार मैंने एक एक वर्ड समझाया आईटीसी का फुल फॉर्म क्या ये इन परचेसेस को इनपुट बोला जाता है परचेसेस के टैक्स को इनपुट टैक्स बोला जाता है अरे है ना और वो इनपुट टैक्स का सेट ऑफ मतलब क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी परचेसेस के टैक्स का सेट ऑफ ध्यान की रहता है अच्छा है, मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ा था फाइनल से मैं इंटर तक तो आ गया डैन चलिए सर हमारी एग्जाम कब होगी क्या कंफर्मेशन भाई साहब जब तक इंस्टीट्यूट पे नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता होता है हो सकता है हो सकता एक्सपेक्टेड है और आप चुपचाप अपनी पढ़ाई करो ओके okay, ये यूट्यूब इंस्टा पे ऐसे कमेंट्स टाइटल पे अपने आप को रिजामत अपने प्लानिंग के हिसाब से अपनी पढ़ाई करो नहीं ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको रिझाने वाले आ जाएंगे चलिए यह हमने देखा यहां पे अब मेरे साथ यहां तक अगर कुछ स्टूडेंट्स को मैं मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ गया पर अगर कोई वन या टू परसेंट स्टूडेंट्स को नहीं भी समझाओगा तो डोंट वरी मैं इतने एग्जांपल्स लेने वाला हूं कि कुछ देर बाद आप कहोगे बस समझ गया ओके okay, बस आगे बढ़ो समझ गया समझ में आया क्या ओके okay, यहां पे अब आगे वाला एग्जांपल लेते हैं ये चेन वही लेते हैं वही वैल्यू एडिशन रखते हैं जो वैल्यू एडिशन हमने वो स्टार्टिंग uh, वाली इसमें रखा ना था आई थिंक uh, देखो पेज नंबर थ्री पे हमने एग्जाम्पल लिया था अरे यस और नो मुझे बताओ पेज नंबर थ्री पे मैन्युफैक्चर ने कितना सेल किया था डिस्ट्रीब्यूटर को वही प्राइस है एक मिनट एक मिनट फिर से बता दो हम अभी पेज नंबर नाइनटीन पे है। अरे यस और नो पर मैं इंफॉर्मेशन वही ले रहा हूं जो पेज नंबर थ्री की है थ्री की है कितनी प्राइस थी प्राइस टेन थाउजेंड अरे यस और नो और अब उसके ऊपर मैं सेल्स टैक्स कहूंगा या वैट कहूंगा अब वैट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं पूरी चेन हम वैट के कॉन्टेक्स्ट में देखते विदाउट कैस्केडिंग इफेक्ट अरे ये और नो तो टेन थाउजेंड तो वैट वहां रेट क्या लिया था मैंने टेन परसेंट तो वैट एट द रेट कितना हुआ देग। 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 वन थाउजेंड टोटल कितना एलेवन थाउजेंड ओके अब अज्यूम करो ये मैन्युफैक्चर का आईटीसी अज्यूम कर लेते तो मैन्युफैक्चर का आईटीसी मतलब उसका क्रेडिट परचेस ओके तो उसका 500 क्रेडिट है अरे मैन्युफैक्चरर ने भी तो रॉ मटेरियल परचेस किया होगा ना तो 500 उसका क्रेडिट है तो मुझे बताओ ये मैन्युफैक्चरर नेट गवर्नमेंट को कितना देगा आ? नेट गवर्नमेंट को वो कितना देगा ओके गवर्नमेंट को पेमेंट और वैट देगा कितना 500 हंड्रेड ओके okay, कैसे 500 देगा तो उसका स्टेटमेंट बनाओ ओके बनाओ बनाओ स्टेटमेंट ऑफ वैट स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट बनाओ आपकी प्रैक्टिस ही होगी आपको समझा होगा बहुत अच्छी बात नहीं समझा होगा तो इसके बाद समझ जाएगा इसके बाद भी नहीं समझा होगा तो डरो मत मैं हूँ बैठा समझा तो स्टेटमेंट ऑफ वैट ओके लिखो आउटपुट टैक्स क्या है आउटपुट टैक्स हाँ वन थाउजेंड लेस आईटीसी 500 सी कितना बचा 500 डन डन आर डन डन क्या ये नेट पेबल हुआ अरे ये सर नो नेट पेबल हुआ 500 बाय बाय हुम बाय मैन्युफैक्चर वो गवर्नमेंट को 500 दे देगा जनरल एंट्री सब केस में पास करने की जरूरत नहीं है वो तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था जीएसटी के कॉन्टेक्ट में मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया क्या yes. चलो अब मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू एडिशन कितना वहां कितना लिया था पेज नंबर थ्री पे दो हजार लिया था क्या तो चलो उसको ही लेके चलते ये नहीं लेते दो हज़ार लेते मुझे सेम एग्जाम्पल लेना है ओके okay, काट के टू थाउजेंड कर लो वैल्यू एडिशन अरे ये समझा क्या मुझे सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना है तो आपको इम्पैक्ट समझ में आएगा विथ वैट का तो वैल्यू एडिशन टू ले लो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू एडिशन टू ले लेता हूँ तो मुझे बताओ यहाँ सेल अच्छा एक मिनट ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल कर रहा है किसको सेल कर रहा है होलसेलर को तो इसकी प्राइस क्या होगी एक मिनट प्राइस क्या होगी एलेवन प्लस टू या टेन प्लस टू वैट का रूल क्या है जो परचेस किया उसका सेट तो ही तो वैट वैल्यू एडेड टैक्स आएगा ना सेट देने के बाद अरे यस और नो तो यहां पे प्राइस कितनी हुई आपकी ट्वेल्व थाउजेंड ओके okay, उसके ऊपर एक मिनट उसके ऊपर नेट जीएसटी नेट टैक्स लगाएंगे या टोटल पे टैक्स लगाए <laughs> पहले इनवॉइस टोटल का बना क्योंकि बर्डन पास ऑन होन होने वाला है अरे यस और नो <laughs> बर्डन पास ऑन होने वाला है इसलिए इसका ओके वैट एट द रेट टेन परसेंट कितना रहा है ट्वेल्व हंड्रेड नो डाउट या भी ये बर्डन पास ऑन हो जाएगा ये और नो तो थर्टीन थाउजेंड क्या टू हंड्रेड ये तो तुम्हारा सेल प्राइस हुआ टैक्स इनवाइस बना टैक्स इनवाइस में टैक्स लगा टैक्स इनवाइस इमेजिन करो यस और नो अब मैं अपने रिकॉर्ड में स्टेटमेंट बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ क्या वैट अरे याद है तो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट पेबल नेट वैट पेबल हाँ, अब इसका आउटपुट टैक्स हाँ ट्वेल्व हंड्रेड येस और नो लेस क्या आई टी सी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना कितना है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वन थाउजेंड ओके तो गवर्नमेंट को नेट कितना पे करेगा नेट वैट पेबल नेट वैट पेबल टू हंड्रेड अब मुझे बताओ उसका वैल्यू एडिशन कितना था उसका वैल्यू एडिशन कितना था टू थाउजेंड रेट क्या ले रहे हम टेन तो टू थाउजेंड का टेन देखो नेट उतना ही इसको कहते हैं टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन समझ में आया ओके okay, तो आएगा उतना ही आपका उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे चलो ये एक मिनट वैल्यू एडिशन कितना था इसका यहाँ करेक्शन कर लो वो सिमिलर एग्जाम्पल का अमाउंट ले लो थ्री कर लो यहां पर ठीक है थ्री कर लिया तो मुझे ये बताओ इसका इसका परचेस कितने से रिकॉर्ड होगा नहीं नहीं परचेस परचेस कितने से रिकॉर्ड होगा ट्वेल्व से 12 से रिकॉर्ड होगा ना परचेस प्लस उसका वैल्यू एडिशन तो इसका सेल बनेगा ओके okay, सेल कितने का बनेगा फिफ्टीन अच्छा टैक्स मुझे ओनली वैल्यू एडिशन पे चार्ज करना है या टोटल पे चार्ज टोटल पे क्योंकि टैक्स इनवायज टोटल पे बनेगा अरे ये सो नो क्या रीजन है टोटल पे बनेगा बर्डन ऑन तो यहाँ पे प्राइस उसके बाद वैट वैट एट द रेट टेन परसेंट अरे समझा नहीं समझा वैट एट द रेट टेन परसेंट कितना फिफ्टीन हंड्रेड तो सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां की टोटल प्राइस आई अच्छा यहां बनाते हैं स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट बनाते हैं होलसेलर का अरे ये सुनना स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट कितना है स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट में आउटपुट टैक्स कितना है आउटपुट टैक्स 1500 लेस क्या आई कितना परचेस करना 1200 1200 तो नेट वैट पेबल 300 हंड्रेड तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा गवर्नमेंट को इसका पेमेंट जाएगा वैट 300 और ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख दो डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा वैट 200 ये समझ में आया क्या ये गवर्नमेंट को 200 देगा एंड बर्डन पास ऑन पर मुझे बताओ बर्डन सिर्फ टू का पास ऑन हो रहा है या ये प्लस ये पास ऑन हो रहा है जो उसने परचेस का दिया प्लस एक्स्ट्रा दिया परचेस का दिया प्लस एक्स्ट्रा दिया, दिया बर्डन पास ऑन आई होप यू अंडरस्टूड ओके उसके बाद में अब आया रिटेलर ओके okay. रिटेलर की परचेसेस कितनी की है परचेसेस 15,000 उसमें क्या हम ये भी कंसीडर करेंगे नहीं परचेसेस 15,000 थाउजेंड समझ यार वैल्यू एडिशन कितना है उसका 5,000 है ना यहां करेक्शन कर लो 5,000 तो आगे जब वो सेल करेगा तो प्राइस क्या होगी हाँ ट्वेंटी थाउजेंड उसके ऊपर वैट कितना आएगा टू थाउजेंड यस और नो यस और नो टू थाउजेंड चलो इसका बना लो स्टेटमेंट ऑफ वैट स्टेटमेंट ऑफ नेट वैट कितना आ रहा है आउटपुट टैक्स टू थाउजेंड लेस क्या आई कितना 1500 नेट पेबल नेट वैट पेबल 500 और ये गवर्नमेंट को कितना देगा वैट 500 गवर्नमेंट को पे करेगा अच्छा पे एंड पास ऑन पर पास ऑन कितना होगा आपका जो टोटल इन्वाइस का वैल्यू है उस पर टैक्स वो उतना ही रहेगा जितना आपका परचेस प्लस एडिशनल मेरे वर्ड समझे क्या आपको जो आपके आउटपुट के टैक्स है आपके प्राइस पे वो उतना ही रहेगा जितना परचेस प्लस एडिशनल क्योंकि हमने डिफरेंस ही उसके बेस पे निकाला हमने डिफरेंस ही उसके बेस पे निकाला यस और नो तो ये बर्डन पास हो तो मुझे बताओ अब लास्ट प्राइस कितनी हुई ट्वेंटी टू थाउजेंड वो एग्जाम्पल में लास्ट प्राइस क्या थी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड यहां क्या हुई ट्वेंटी प्राइजेस कम हुई ये सर नो अच्छा तो मैं आपको अब यह कहना चाहता हूं सर यह कस्टमर यह कस्टमर कोई बिजनेसमैन नहीं है अरे ना ये अल्टीमेट यूजर है तो इसको जो टैक्स लगा क्या ये कस्टमर क्रेडिट ले सकता है क्या नहीं, नहीं अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनना आपकी ये क्रेडिट चेन तब तक चलती रहेगी जब तक आगे बिजनेस चल रहा है समझ में आया क्या आपकी ये क्रेडिट चेन क्रेडिट चेन तब तक चलते रहेगी जब तक ये बिजनेस चल रहा है मतलब वो खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है। समझ में आया क्या ओके और हर स्टेज पे टैक्स उतना ही पे करना पड़ेगा जितना वैल्यू एडिशन जितना वैल्यू एडिशन ये समझ में आया क्या सबको समझ में आए इधर यस यस ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आए यहां तक अगर समझा होगा तो फटाफट फड़ टू टाइप कीजिएगा ठीक है ओके okay, और ये सब टाइप कीजिएगा मुझे इंटरेक्टिव सेशन चाहिए कहीं पे भी आप भी इग्नोर नहीं होने चाहिए जो ऑनलाइन बैठे हैं ठीक है, है? <coughs> तो यहां तक है मतलब ये समझ लो मैन्युफैक्चरर कंपनी है अब सुनना है मेरी बात मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भी टैक्स दे रही है ये डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल प्रोपराइटर है पर बिजनेसमैन है ये डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल प्रोपराइटर पर बिजनेसमैन है तो वो भी बी टू बी हुआ बी टू बी हुआ तो वो भी आगे बेच रहा है वो भी टैक्स दे रहा है वो भी क्रेडिट लेगा होलसेलर पार्टनरशिप फर्म है होलसेलर पार्टनरशिप फर्म है तो क्या वो भी टू बी है हाँ वो भी परचेस का क्रेडिट लेगा आगे बेच रहा है आगे यहां पे आगे वो धंधा कर रहा है बिजनेस कर रहा है क्या वो क्रेडिट लेगा हाँ, समझ में आया क्या उसके आगे ये रिटेलर है ओके रिटेलर एचय है रिटेलर क्या एच पे पर वो भी बिजनेस कर रहा है ये समझा नहीं समझा वो भी आगे इनवाइस बनाएगा अपने परचेस का क्रेडिट लेगा ये पूरी चेंज समझ रहे हो लेकिन अब तक क्रेडिट चालू है तो ये क्रेडिट तब तक मिलते हैं जब तक आपके आउटपुट पे टैक्स होता है बोलो एक बार मेरे साथ फिर से ये क्रेडिट तब तक मिलते जब तक आपके आउटपुट पे टैक्स होता है जैसे ही आपके आउटपुट टैक्स की चेन खत्म हुई खत्म कहां होगी <laughs> कस्टमर इसके आउटपुट पे आगे टैक्स ही नहीं खत्म यहां क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आउटपुट टैक्स में क्रेडिट देने का लॉजिक बस इतना ही है टू अवॉइड कैशकैडिंग इफेक्ट और कैशकैडिंग इफेक्ट तभी आ सकता है जब आपका आउटपुट टैक्स है अरे आया ना तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में कहता हूं अल्टीमेट कंज्यूमर को क्रेडिट मिलने वाला नहीं है एंटायर वर्डन पास इसलिए बी टू सी में क्रेडिट नहीं है बी टू सी में बायर को क्रेडिट नहीं जैसा मैंने आपको बिल दिया हुआ है अब तुम्हारा और मेरा ट्रांजेक्शन बी टू सी है तो आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है आपको क्रेडिट चाहिए तो आप बिजनेस करो और मेरी सर्विस वो बिजनेस में यूज करो कम यार। आपको अगर क्रेडिट चाहिए तो आप बिजनेस करो और मेरी सर्विस उस बिजनेस में यूज करो तो आपको क्रेडिट मिलेगा अदरवाइज आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं आई होप यू अंडरस्टूड ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू पूरा वैट चेन अब एक कैलकुलेटर लो कैलकुलेटर लो एक मैजिक बता दो आपको ये वैट चेन का बताओ मैन्युफैक्चरर ने कितना सॉरी मुझे ये बताओ बता। मैन्युफैक्चर के सप्लायर्स का आईटीसी हमने 500 लिया था तो उसके सप्लायर ने गवर्नमेंट को 500 दिया होगा अरे यस और नो तो ये 500 ऐड करो पहले समझा ये 500 प्लस मैन्युफैक्चर ने गवर्नमेंट को नेट कितना दिया 500 ऐड करो 500। डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को कितना दिया 200। उसके बाद में होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया थ्री फिर रिटेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया 500 टोटल कितना यहां आपकी टोटल उतनी आएगी जितना लास्ट इन का टैक्स होगा नहीं समझा आपकी टोटल उतनी आएगी जितना लास्ट इन का टैक्स होगा क्यों क्योंकि हर स्टेज पे टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन ये समझाया नहीं समझा हर स्टेज पे टैक्स ओनली ऑन वैल्यू ये मैजिक है वैट का और इस तरह से ये वैट मैकेनिज्म इंडिया ने एक्सेप्ट किया ओके कि इंडस्ट्री बड़ी खुश हुई ओके और, और नए टैक्स पे लाइबिलिटी आया आई होप यू अंडरस्टूड अब मैं मुझे पता है कि ये मैकेनिज्म में थोड़ा अब आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है अब पूरी एग्जॉस्ट करता हूँ ठीक yeah. है अब अब चुपचाप अब चुपचाप बुक क्लोज करके मैक्रो लेवल पे मैं जो समझाना चाहता हूं बस सुनो चुपचाप ओके बुक क्लोज करके मैं बुक इसलिए क्लोज कर रहा हूं कि वो एक सेटिस्फेक्शन आता है क्लोज अरे या सर नो और अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझो ठीक है सब सभी ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बुक क्लोज कर दो और रिलैक्स वे में बिल्कुल रिलैक्स वे में सुनो मैं जो कहना चाहता हूं और ये माइक्रो लेवल पे नहीं मैक्रो लेवल पे समझ में आ रहा है ब्रॉड सेंस में समझो हो गए रिलैक्स लंबी सांस लो छोड़ो 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 हां कोई सोया तो नहीं है अब देखो आगे होता है क्या अब ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सुनो 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 ये जो एग्जाम्पल ले रहा हूं ये बहुत ही डेथ में है अगर ये लास्ट के पंद्रह मिनट किसी को नहीं समझ में आया तो छोड़ देना और अगर किसी को समझ में आया तो भाई साहब उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिफ्ट हो जाएगी अच्छी कैसे लिफ्ट हो जाएगी और नहीं समझाओगा तो इस एग्जाम्पल का कोई काम हमको आगे नहीं है ये समझा नहीं समझा ठीक yeah. है ओके okay, तो आप डरना मत कि ये कौन सा एग्जाम्पल ले लिया पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ जाए ये आपके बुक में कहीं नहीं है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज है ये समझ में आया क्या हां टाइटल है प्रॉब्लम इन टैक्स क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया बिफोर फर्स्ट जुलाई 2017 थाउजेंड जुलाई 2017 को जीएसटी आया उसके पहले इंडिया में क्या चलता था उसके पहले इंडिया में चलता था एक्साइज वैट समझ में आया क्या ऑक्ट्रा वगैरह। तो चलो मैक्रो सेंस में हम दो ही मेजर टैक्स लेते हैं कौन से एक्साइज वैट और तीसरा सर्विस टैक्स तीसरा क्या सर्विस टैक्स मेरे सामने विजन बढ़ा रखना मैक्रो लेवल पे देखना समझ लो ये मैन्युफैक्चरर है सुनना सभी ने ध्यान कोई टाइम पास मत नहीं करेगा सच में अगर ये आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया ना तो आपकी लेवल जो है जबरदस्त लिफ्ट हो जाएगी सभी ने ध्यान देन देना पिक्चर देखा मैन्युफैक्चर है क्या बना रहा है फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर गुड्स बनाता है तो उसके आउटपुट में गुड्स ही रहेगा बोलो मेरे साथ एक बार फिर से उसके आउटपुट में गुड्स ही रहेगा समझ में आया अब देखो यहां पे क्या हुआ गुड्स बनाने के लिए इस मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल खरीदा गुड्स बनाने के लिए इस मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर से मटेरियल खरीदा मटेरियल खरीदा दूसरे मैन्युफैक्चरर ने तो दूसरे मैन्युफैक्चरर से मटेरियल खरीदा तो मिला 2017 के पहले जब यह परचेस इनवाइस मिलता था तो उस वैल्यू पे एक्साइज भी लगता था और वैट भी लगता था क्यों एक्साइज क्योंकि एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे था और वैट सेल पे था और ये, नो। ये सर नो तो जब मैं खरीद रहा हूं तो एक्साइज भी लग रहा है वैट भी लग रहा है समझ में आया क्या सर दो टैक्स हाँ सर डबल टैक्सेशन हाँ अरे सर बट नो बट शट कट टू कट तो ही तो समझेगा जीएसटी का इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आया क्या तो एक्साइज रेवेन्यू सेंट्रल का था एक्साइज रेवेन्यू सेंट्रल का था और वैट ये रेवेन्यू स्टेट का था इसमें तो ऑप्टाई भी लगता था एलबीटी भी लगता था पर हम मेजर लेवल पे देख रहे हैं समझ में आया क्या अभी मेजर तीन ही देखते हैं अब ये एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। और वैट वन थाउजेंड एक बार फिर से ये एक्साइज इसलिए लग रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल मैन्युफेक्चर से खरीदा गया और वो मैन्युफैक्चर से खरीदा गया इसलिए एक्साइज भी लग रहा है और वैट भी लग रहा है बिल में दोनों टैक्स अब एक और बात बताता हूँ जब एक्सरसाइज लग रहा है ध्यान से सुनो बिना कोई फोकस डाइवर्ट किए और बिना कोई अदर चीजें सोचे समझे अभी पूरा टाइम मेरे को दो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अब ये एक्सरसाइज लगता था तो पहले एक्सरसाइज लगती थी ओके वन लैख उसके ऊपर क्या लग गया एक्सरसाइज टोटल कितना वन टेन और वन टेन पे वैट लगता था एक मिनट कितना वन टेन पे वैट मतलब इसमें भी डबल टैक्सेशन था मतलब आपको जो वैट लग रहा है वो एलेवन थाउजेंड समझ में आया क्या तो इसमें भी सेंट्रल और स्टेट के टैक्स में भी डबल था सेंट्रल और स्टेट के टैक्स में भी डबल था इंडस्ट्री परेशान थी उसके बाद में ये तो हुआ गुड्स खरीदा कि गुड्स पे लगती थी एक्साइज गुड्स पे लगता था वैट मैन्युफैक्चरर प्रोजेक्ट चलाने के लिए सर्विस खरीद रहा है रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस जॉब वर्क सर्विस अरे आया ना जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्विस लगती है बिजनेस चलाने के लिए सर्विस लगती है इंटरनेट सर्विस टेलीफोन सर्विस अकाउंटिंग सर्विस अरे यस और नो जब वो सर्विस खरीदता था तो 2017 के पहले उसके ऊपर लगता था सर्विस टैक्स यानी जो भी इसको सर्विस दे रहा है वो जब बिल देगा इन इमेजिन करो जब वो बिल देगा तो क्या लगा के देगा सर्विस टैक्स तो समझ लो इसने सर्विस ली फिफ्टी थाउजेंड की और yes no? yes. और उसके ऊपर टैक्स लगाया फिफ्टीन परसेंट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था किसका सेंट्रल गवर्नमेंट आई होप यू अंडरस्टूड अब ये सर्विस टैक्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था जस्ट मिनट हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था तो अब तुम्हारी मेजर दो परचेसेस होती थी बताओ कौन सी दो मेजर परचेसेस होती थी गुड्स की परचेसेस आई रिपीट द वर्ड क्या परचेसेस यानी इनपुट परचेसेस को नाम क्या देते हम इनपुट या इनवर्ड इनपुट या इनवर्ड तो तुम्हारी दो मेजर परचेस होती थी किसकी गुड्स की सर्विस की गुड्स की परचेसेस पे एक्साइज लग के आ जाता वैट लग के आ जाता और सर्विस के परचेस पे क्या लग के आ रहा है सर्विस टैक्स अच्छा मतलब आपके परचेसेस पे तीन टैक्स लग के आ रहा है कौन से तीन टैक्स लग के आ रहे हैं एक्साइज वैट सर्विस टैक्स समझ में आया क्या ये तीन में से कौन से दो टैक्सेस सेंटर है एक्साइज और सर्विस टैक्स और कौन सा स्टेट है क्लियर? अब ये गुड्स खरीद के सर्विस खरीद के हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अरे है ना और मैन्युफैक्चरिंग से गुड्स बना रहे कम ऑन है मैन्युफैक्चरिंग से गुड्स बना रहे अब आउटपुट मेरा सर्विस है कि गुड्स है गुड्स है मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं अरे oh. यस और नो yes. तो जब मैं किसी को बेच रहा हूं तो फिर से एक्साइज लग रही है oh. क्यों एक्साइज लग रही है oh. क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है अरे oh. यस और नो oh. फिर से एक्साइज लग रही है oh. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मेरी भी एक्टिविटी है oh. और मेरा गुड्स है oh. तो थ्री लैक्स का माल बेचा जिसके ऊपर एक्साइज लग गई थर्टी oh. अच्छा एक्साइज किसका रेवेन्यू है सेंट्रल का और ये बेचा इसलिए वहट फिर से लग गया बेचा इसलिए वैट फिर से लग गया ये किसका है स्टेट का है तो अब मेरे आउटपुट में भी भी है है मतलब सेंट्रल भी है और स्टेट भी है, मतलब, है, है। इंडिया में 2017 के पहले वैट कॉन्सेप्ट आ चुका था एक्साइज में भी आ चुका था और सेल्स टैक्स भी अरे आया ना तो अब यहां पर मुझे क्रेडिट मैन्युफैक्चर को क्रेडिट मिलते थे पर क्रेडिट सेंट्रल का पेमेंट करने के लिए सेंट्रल के ही क्रेडिट मिलते थे और स्टेट का पेमेंट करने के लिए स्टेट के ही मिलते थे ये समझाया नहीं समझा तब ऐसा कोई काउंसिल नहीं था कि मिल पर कुछ बनाते हैं ना सेंट्रल अलग स्टेट अलग तो सेंट्रल का क्रेडिट तो बताओ मेरे आउटपुट में ब्रॉड सेंस में बताओ कौन सा सेंट्रल टैक्स है मेरी लाइबिलिटी कितनी आ रही है थर्टी मुझे क्रेडिट मिलेगा क्या हाँ मिलेगा अब उस पर डाउटमेट करना क्रेडिट मिलेगा हम पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म आ चुका है है अरे ना पर ये एक्साइज पे करने के लिए मुझे तीनों तीनों क्रेडिट अलाउ हो गए या सिर्फ सेंट्रल के अलाउड हो गए सिर्फ सेंट्रल के अलाउ हो गए तो मेरा एक स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एक्साइज पेबल अरे है ना आउटपुट टैक्स एक्साइज थर्टी लेस सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल के क्रेडिट गुड्स का एक्साइज टेन गुड्स का एक्साइज टेन और सर्विस टैक्स का सर्विस uh, का सर्विस सर्विस टैक्स मिलते थे सेंट्रल के पूरे मिल जाएंगे अरे है ना तो सर्विस टैक्स का कितना सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सेंट्रल का पेमेंट करने के लिए सेंट्रल के क्रेडिट यहां तक सभी को क्लियर ऑनलाइन yes, so, बताओ सभी को क्लियर प्लीज मुझे रिप्लाई करो क्लियर होगा तो सी टाइप करो फटाफट ठीक हाँ। है फटाफट फड़ सी टाइप करो तो यहां पे अरे यार ये कैसे वो? क्रेडिट मिलते थे मतलब परचेसेस के इनपुट टैक्स का सेट ऑफ इतना टफ जा रहा है रिशो क्या कर रहा है इसके पहले तो मैंने क्रेडिट समझाया क्रेडिट मतलब परचेसेस का सेट ऑफ समझ में आया ना ठीक है हाँ पर एक्साइज के पेमेंट के लिए एक्साइज और सर्विस टैक्स और वैट के पेमेंट के लिए वैट तो वैट मेरा आउटपुट कितना है थर्टी थ्री थाउजेंड है वैट आउटपुट पे अरे यस और नो तो थर्टी थ्री के पेमेंट के लिए मेरे परचेसेस में वैट कहां लगा इधर अरे है ना कितना है एलेवन थाउजेंड तो मुझे वैट का क्रेडिट मिल जाएगा तो मेरा एक दूसरा स्टेटमेंट बनता था मैन्युफैक्चर का एक सेंट्रल का बनता था एक स्टेट का बनता स्टेटमेंट ऑफ वैट दोनों के रिटर्न अलग जाते थे रिटर्न याद क्या सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट अरे ये और नो तो दोनों के रिटर्न अलग जाते थे ओके okay, तो मेरा 33 आउटपुट टैक्स है और 11,000 इनपुट टैक्स है ओके एलेवन थाउजेंड इनपुट टैक्स है तो यहां पे कितना हो गया नेट पेबल रेडिट हाँ, अब इसमें मैन्युफैक्चर कहां बेनिफिशियल था बताया क्या मैन्युफैक्चर उसके आउटपुट में सेंट्रल भी था स्टेट भी था समझ में आया क्या तो उसको सेंट्रल के क्रेडिट सेंट्रल में मिल जाते थे स्टेट के क्रेडिट स्टेट में मिल जाते उसके क्रेडिट तीनों भी यूज होते थे लेकिन अगर आप ट्रेडर हो ऑन मैंने क्या कहा ट्रेडर हो. ट्रेडर मतलब कौन हाँ जो सॉरी आप एग्जाम्पल लेते सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर मतलब आप क्या सर्विस है अब बताओ मैंने जो आपको यहां पे एक सर्विस प्रोवाइडर को गुड्स लगते हैं हाँ। अरे यार सॉरी बेटा जस्ट मिनट मेरे को लगा कॉन्सेप्ट हो जाएगा पर अब मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकता हाँ हाँ मुझे ये बताओ कि एक सर्विस प्रोवाइडर को मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं मुझे लग रहे हैं लाइट्स लग रहे हैं कैमरा लग रहा है समझ लो मैंने ये बेंचेस मैन्युफैक्चर से खरीदे कैमरा मैन्युफैक्चर से खरीदा ओके लाइट्स टीवी मैंने किससे मैन्युफैक्चर तो अगर मैं ये मैन्युफैक्चर से खरीद रहा हूं तो जिसने ये बनाया वो मुझे एक्साइज और वैट लगा के देगा yes, एक्साइज और वैट लगा यहां ऐसा क्लियर ओके और मैं सर्विस ले रहा हूं फैकल्टी की सर्विस ले रहा हूं इंटरनेट सर्विस ले रहा हूं अरे यस और नो yes तो यहाँ टेलीफोन सर्विस ले रहा हूं दुनिया भर की सर्विस ले रहा हूं एडिटिंग सर्विस ले रहा हूं मार्केटिंग सर्विस ले रहा अरे हूं तो समझ लो मैं सर्विस ले रहा हूं सर्विस टैक्स।, टैक्स।, टैक्स तो एक सर्विस प्रोवाइडर के भी इनपुट में तीन टैक्स होते थे बताओ तो कौन से इनपुट में एक्साइज वैट और सर्विस टैक्स समझ में आया क्या एक्साइज वैट और सर्विस टैक्स ठीक है लेकिन जब ये ओके okay, ये मटेरियल यूज करके ये लाइट्स यूज करके कैमरा यूज करके अरे है ना सर्विसेज यूज करके आपको जो आउटपुट में दे रहा है गुड्स दे रहा है या ओनली सर्विस दे रहा है आपके आउटपुट में सर्विस ही दे रहा है अरे यस और नो yes no? तो जब ये सर्विस दे रहा है ओके सबको यूज करके अरे है ना सर्विस दे रहा है तो सर्विस पर एक ही टैक्स था सर्विस टैक्स वैट नहीं था सर्विस पे अरे और नो yes तो अब इसके सर्विस जो वैल्यू थ्री लैक्स है क्या लगता था सर्विस टैक्स तो ये सर्विस टैक्स सेंट्रल का था तो क्या एक सर्विस प्रोवाइडर को क्रेडिट मिलते थे हाँ हाँ सुनो सुनो क्रेडिट मिलते थे पर ये उसके आउटपुट में एक ही सेंट्रल टैक्स लगता था कौन सा सेंट्रल टैक्स लगता था सर्विस टैक्स तो अब यह लॉजिक क्या था पहले सेंट्रल का क्रेडिट सेंट्रल में तो आउटपुट टैक्स सर्विस टैक्स पेबल कितना फोर्टी फाइव अरे है ना ले सेंट्रल के क्रेडिट एक्साइज का चारे, चारे चारे और सर्विस टैक्स का मतलब कितना हुआ सेवनटीन अरे सेवनटीन फाइव हंड्रेड नेट सर्विस टैक्स पेबल अब उसका बचा वैट का क्रेडिट अब उसको वैट का क्रेडिट मिलता था क्या नहीं नहीं क्यों नहीं मिलता था वैट का क्रेडिट क्योंकि उसके आउटपुट में स्टेट था ही नहीं समझा नहीं समझा उसके आउटपुट में स्टेट सर क्रेडिट मिलता ही नहीं था नहीं अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो परचेस में ऐड हो जाता है सुनो यार आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो परचेस में ऐड हो जाता है अगर वो परचेस में ऐड हो गया तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है पर ऐसा था 2017 तो के पहले कि सर्विस प्रोवाइडर को बैठ के क्रेडिट मिलते ही नहीं थे क्योंकि उनके आउटपुट में स्टेट था ही नहीं और ये समझाया नहीं समझा ये बात कर रहे हम सर्विस प्रोवाइडर की अब बात कर रहे हैं किसकी ट्रेडर की मैं कौन रियली really बहुत डेथ में लेके जा रहा हूं आपको थोड़ा बहुत हेवी हो सकता है पर ये पुराना है समझ में आया क्या जो नया पढ़ना है वो तो बहुत इजी है जो नया पढ़ना है वो इजी अब बात करते हैं ट्रेडर की ट्रेडर मतलब कौन जो गुड्स खरीदता है और बेचता है समझ लो ये मारुति का डीलर है ट्रेडर है अरे है ना इसने मारुति उद्योग लिमिटेड मैन्युफैक्चरर से कार खरीदी तो मैन्युफेक्चर से कार खरीदी तो एक्साइज लगा वैट लगा अरे है ना एक्साइज लगा और वैट लगा प्लस ये ट्रेडर सर्विसेज भी खरीद रहा है टेलीफोन सर्विस इंटरनेट सर्विस और ये सुनो उसके ऊपर क्या लगा सर्विस टैक्स तो इसके भी परचेस में तीन टैक्स होते थे एक्साइज वैट एंड सर्विस टैक्स लेकिन ये ट्रेडर गुड्स खरीद के गुड्स ही बेच रहा है और ये गुड्स मैन्युफैक्चर करके नहीं बेच रहा है एज इट इज बेच रहा है एज इट इज बेच रहा है जब गुड्स ये एज इट इज बेच रहा है तो क्या इसको बेचते वक्त एक्साइज लगेगी क्या नहीं बेचते वक्त क्या लगेगा बेटा ओनली yeah. वैट लगेगा और वैट स्टेट का था अरे यस और ना? तो अगर ये अपने आउटपुट में क्रेडिट लेने जाए तो इसको सेंट्रल के क्रेडिट नहीं मिलते थे यानी yeah. एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था सर्विस टैक्स का नहीं मिलता था सिर्फ किसका मिलता था वैट का yeah. क्रेडिट मतलब जो परचेसेस पे टैक्स लग के है उसका सेट ऑफ अरे है ना तो सिर्फ वैट का मिलता था तो अगर आपको एक्साइज का क्रेडिट नहीं सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं तो वो प्राइस में ऐड हो जाता है ऐड हो जाता है तो कैस के नहीं इफेक्ट आ जाते समझ में क्या इन शॉर्ट ओनली मैन्युफैक्चर विन विन सिचुएशन में था क्यों मैनुफेक्चर विन विन सिचुएशन में था क्योंकि उसके आउटपुट में सेंट्रल भी था स्टेट भी था सर्विस प्रोवाइडर को वैट के क्रेडिट नहीं मिल रहे थे समझ में आया क्या वो उसके तीन में से एक एडजस्ट नहीं हो रहा था और ट्रेडर तो उससे भी ज्यादा लॉस में था उसके तीन में से दो एडजस्ट नहीं हो रहे थे सिर्फ एक ही एडजस्ट हो रहा था वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ रही थी अरे यस और नो ये तो ये ये सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर और कि ये कहने लगे कि क्यों हमारे आउटपुट में स्टेट नहीं है हमारे आउटपुट में स्टेट लाओ अरे समझ में आया क्या क्योंकि अगर हमारे आउटपुट में स्टेट आ गया तो सेंट्रल का सेंट्रल में स्टेट का स्टेट में यार ट्रेडर कह रहा है मेरे आउटपुट में भी सेंट्रल लॉ अरे समझ में आया क्या सो so दट हम पूरे क्रेडिट एडजस्ट करें क्रेडिट एडजस्ट हुए तो प्राइस कम हुई कम क्रेडिट एडजस्ट हुए तो प्राइस कम हुई समझ में आया क्या तो यार ये जो है ना तीनों मार्केट अलग अलग देखे जाते थे मैन्युफैक्चरिंग मार्केट अलग देखा जाता था ओके सर्विस प्रोड मार्केट अलग देखा जाता था ट्रेडर का मार्केट अलग सबके रिटर्न्स अलग सबके फॉर्म्स सब अलग सबके एडमिनिस्ट्रेशन अलग है ना ओके okay, एक्साइज का अलग वैट का अलग ये वैट वो वैट राजस्थान वैट सब परेशान थे समझ में तो ये तीनों ये बोल रहे थे कि कोई ऐसा एक टैक्स लाओ जो वन नेशन one tax, one भाई तीनों को एक ही मार्केट में लाओ यार समझ में है क्या तो गवर्नमेंट ने कहा यस हम आपकी सुनते हैं अब ये सारे टैक्सेस को खत्म करते हैं समझ में आया क्या ये सारे टैक्सेस को अब ये दोनों मिला के एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी अब कोई एक्साइज अलग नहीं कोई वैट अलग नहीं जीएसटी क्या? अब जब आप सर्विस खरीदोगे तो सर्विस टैक्स ऐसा कुछ नहीं नाम होगा जीएसटी और जब आपने गुड्स दिया तो ऐसे दो नाम नहीं होंगे क्या होगा जीएसटी समझ में आया क्या अब आपके इनपुट में भी जीएसटी समझ में एक सर्विस प्रोवाइडर ओके सर्विस प्रोवाइडर ने पूछा मुझे कैसे देखा जाएगा तुझे भी ऐसे देखा जाएगा परचेस करेगा जीएसटी तू सर्विस परचेस करेगा जीएसटी तू सर्विस देगा जीएसटी समझ में है क्या और एक ट्रेडर वो बोल रहा है मेरा क्या होगा रे तो वो कहेगा तू परचेस कर रहा है जीएसटी तू सर्विस ले रहा है जीएसटी और तू जीएसटी जी और ये है क्या और और अब सबको और अब सबको ओके जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी है क्या सबको जीएसटी का क्रेडिट अब अब कोई ये नहीं चिल्लाएगा अरे मुझे तो स्टेट का नहीं मिल रहा है मुझे सेंट्रल का नहीं मिल रहा है अरे आया ना क्योंकि अब सबके इनपुट में भी सीजीएसटी रहेगा एसजीएसटी रहेगा और सबके आउटपुट में भी सीजीएसटी रहेगा, एसजीएसटी रहेगा समझ में एस और दोस्तों ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट कैसे मिलेगा देखते हैं टुमारो शार एट सेवन थर्टी लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी बंधनों को तोड़ के आना तो कल मिलते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है ओके okay, आपके जो भी डाउट्स होंगे कल देखेंगे आज नहीं जो भी डाउट्स होंगे कल देखेंगे ठीक है